हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर संजन कुमार आपके लिए तैयार हूं करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग डेली करते हैं, सुबह सुबह 6 बजे ही करते हैं ताकि पूरे दिन की घटनाओं के बारे में जानकारी हो पाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ घटनाओं की जानकारी देना मेरा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स में आप पूरी तरह से कम्फर्ट हो जाए। और अगर कोई सवाल बनते हैं, कोई सवाल उठते हैं, चाहे पीटी के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, तो आप उसका बेहतर तरीके से सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सके। मेरा उद्देश्य यह होता है कि मैं आपको 100% तैयार करके दूँ और उसमें मैं भी मेहनत करूँ आपको नोट्स देने के लिए, और आप भी मेहनत करें उस नोट्स को पढ़ने के लिए। जब दोनों मेहनत करेंगे तो सारी बातें ठीक होती चली जाएंगी। यहाँ पर जो सहयोग है या जो सहयोग होगा वो दोनों को कर पाएंगे। मैं भी आपका करूँगा, आप भी मेरी करेंगे, रिजल्ट लाने के मोड में। शैलेंद्र जी, विवेक राठौर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बहुत पहले ही क्लास को शेयर कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी बच्चों का। यहाँ पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। और यहाँ जितने भी टॉप मेंटर्स होते हैं, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर हाजिर होते हैं। मैं भी यहीं पर आता हूँ पढ़ाने के लिए। डॉक्टर संजन कुमार, हिस्ट्री एंड कल्चर एग्जाम में DG पर चलता है, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल के हिसाब से। करंट अफेयर्स, लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी, जहाँ चैनल आप पढ़ रहे हैं, PT और मेंस के हिसाब से। ऐसे भी एक चल रहा होता है एवरी वीकली चलता है 3 PM में। और संजन लाइव और डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी आपका टेलीग्राम का चैनल, जिसको कि प्राप्त करते हैं और यह आपको PDF मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑल इंडिया 2 रैंक आपने सिक्योर किया है, आपने ही सिक्योर किया है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो आपको ही यह क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि यह जो रिजल्ट होता है वो वर्चुअली आपका ही होता है। यहाँ पर जागृति अवस्थी को भी शुभकामना, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ पर जो हमने रैंक आपको दिए हुए हैं, जो आपने रैंक हासिल किए हैं, AR2 के साथ 9th रैंक भी है, 10th रैंक भी है, 13, 14, 16, 20 सब कुछ आपके यहाँ पर रैंक मिल चुके हैं। तो यह 7 रैंकर्स इन टॉप 20, 15 रैंकर्स इन टॉप 50 एंड 169 प्लस अभी आपके रिजल्ट काउंटिंग में आए हुए। यह स्पेशल वीक है, जो स्पेशल वीक चल रहा था आपका 30 तक, तो एक दिन के लिए एक्सटेंड होता है आज के लिए, लेकिन आज फिर नई सूचना आपको मिल जाएगी। तो देन फिर यहाँ पर पता चल पाएगा कि क्या इसके लिए हमने जो रिड्यूसिंग प्राइस था, रिड्यूस बाय 10% था, वो फिर अप हो जाएगा आपका। ये चलता रहता है, बीच में कुछ छात्रों को सुविधा देने के लिए ये ऐसे प्रोग्राम हम लोग चलाते रहते हैं। उस समय मिल रहा था केवल 40,000 में ही प्लस GS मिल रहा था, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 58 में, और 3 ईयर के लिए 72,000 में। प्लस कॉम्बो आपको 46 में मिल रहा था, 2 ईयर के लिए 66 में, और 3 ईयर के लिए 80 में मिल रहा था। कॉम्बो का मतलब होता है इसमें ऑप्शनल शामिल हो जाएगा। आइकनिक GS 60,000 में था, 93,000 में 2 ईयर के लिए, और 3 ईयर के लिए 1,24,000 में। और आइकनिक कॉम्बो 63,000 या 97,000 और 1,28,000। आप देखते हैं कि एक साल में केवल अगर ऑप्शनल आप पिक करते हैं तो केवल 3,000 रुपये का एडिशनल आपको देना पड़ता है। प्लस ऑप्शनल 24,000 का है आपका 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 36,000, 3 ईयर के लिए 45,000। यहाँ पर कोड आप इनवाइटिंग कोड जो होता है इसको जरूर डालेंगे ताकि आपको यह फ़ायदा मिल पाए, अदरवाइज जो 10% बेनिफिट है वह नहीं मिलेगा, तो प्राइस अपने आप ऊपर ही दिखाई देगा। यहाँ पर ज्योग्राफी कॉम्बेट आपका हो रहा है, जो कमिंग संडे है 3 अक्टूबर को, परसों जो संडे है उसमें आपको ज्योग्राफी कॉम्बेट हो रहा है। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आप देते हैं, और यहाँ पर यह ज्योग्राफी स्पेशल है। ध्यान रखिएगा, ऐसे GS स्पेशल होता था, इस बार लेकिन क्या है, ज्योग्राफी स्पेशल है। और यहाँ पर आपको इनरोल होना है, देखना है कि ज्योग्राफी में कितने दमखम यहाँ पर आपके पास आते हैं। और यही प्रक्रिया होती है जबकि आप अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने आप को सीखा पाते हैं। आइकनिक GS का ये प्रोग्राम आपका विशेष प्रोग्राम होता है, जहाँ कि आपने देखा फी भी इसकी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडलाइंस फॉर टॉप एग्जाम एक्सपर्ट। टॉप टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाता है 1-to-1 गाइडलाइन के थ्रू। और स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइन, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है इस विशेष प्रोग्राम में। और यह विशेष इसलिए हो जाता है कि जो बच्चे नए हैं भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है खुद से तैयारी करना, तो ऑफलाइन टाइप की सुविधा को देने की कोशिश की जा रही है। प्लस कोर्स, हालांकि यह अभी 30 तारीख तक तो लागू होता था लेकिन आज से लागू हो जाएगा आपका कि 12 मंथ के लिए 44,000, 24 मंथ के लिए 64 एंड 36 मंथ के लिए 81,000 लागू हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका आइकनिक प्रोग्राम थोड़ा विशेष होता है, 12 मंथ के लिए 67,000। अभी आपने देखा कि कॉम्बो में ही आपको 63,000 में मिल रहा था, तो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये समझिए। और 24 मंथ के लिए 1,04,000 और 36 मंथ के लिए 1,38,000 यह फी हो जाता है। इसी प्रकार से जो ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल की फ़ी जो होती है, आप पहले अगर आप कोड नहीं डालते हैं ये वाला, तो आपको ये वाला फ़ी करना पड़ेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप कोड डाल रहे हैं तो आपको 36 मंथ के लिए 1,250 रुपये पर महीने देने होंगे, 24 मंथ के लिए 1,500 और 12 मंथ के लिए 2,063 रुपये देने होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। कोई इस पर आपको बर्डन नहीं डाला जा रहा है। EMI का मतलब यह नहीं होता है कि इंटरेस्ट के साथ EMI लिया जा रहा है। और यहाँ पर बैचेज आपके 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जो खास करके मेंस के, प्रॉपर मेंस के बैच होंगे जो मुख्य परीक्षा को सपोर्ट करने वाला है। और वैसे अभी 3 अक्टूबर से भी और उससे पहले भी 29 सितंबर को भी आपके 1 ईयर एंड 2 ईयर दोनों के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीकेंड करेंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच है आपका, जो पाथवे टू क्रैक यूपीएससी सीएसई विथ इंडिया टॉप एजुकेटर करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जितने भी सोर्स होते हैं सभी को मिला करके यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आए। जितने भी बच्चे जुड़ेंगे सभी का बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ अपने क्लास की शुरुआत करता हूँ। जितने भी बच्चे जुड़ चुके थे, विकास चौधरी जी हैं, प्रिया सिंह हैं, कृष्णा हैं, दीपचंद जी हैं, सभी बच्चों का, कुमार अभिषेक, विवेक राठौर जी, प्रियंका सिंह, विशाल भारद्वाज, हर्ष विजय जी और हितेश साहब आपका भी, निशु मौर्य, मनीष सिंह, अनुराधा कुमारी, अनिमा कुमारी, छवि, नैन्सी सिंह, अर्पित और सभी बच्चों का यहाँ पर, चलिए शरण जी, सभी बच्चों का स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, कि आज हम लोग क्या करेंगे। IAS नरेंद्र कुमार जी, पूजा कुमारी, सभी बच्चों का, शशि, सूसी, अमन गुप्ता, अभिषेक, विशाल, रोहित, कुमार, सुशांत, प्रिया सिंह, सभी बच्चों का साइंस की क्लास कब से शुरू होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन एस कुमार जी बहुत स्वागत है आपका, गुरप्रीत सिंह जी। यहाँ देखिए, आज मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था पहले ही कि आज का क्लास जो हम लोग रखेंगे कुछ छोटे न्यूज़ को लेकर के रखेंगे जिस पर कि पूरे सप्ताह ध्यान नहीं जा पाता है, हालांकि वह न्यूज़ भी चल रहा होता है। मैंने सभी को कलेक्ट करके रखा हुआ है। और यह मत मानिएगा कि अगर विश्लेषण के रूप में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा हमारी पीटी की तैयारी रुक जाती है। आज मैंने विशेष तौर पर फ्राइडे को सेटल किया हुआ है कि सप्ताह में जितने भी अच्छे न्यूज़ आएंगे, जो छोटे न्यूज़ होंगे, ध्यान रखिएगा अच्छे न्यूज़ का मतलब होता है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हों, वैसे न्यूज़ अच्छे नहीं जो कि देखने में अच्छे लगते हों, सनसनीखेज लगते हों। यहाँ पर मेरे पास एक फिल्टर करने का तरीका है कि जब मैं प्रोवर्सों के प्रश्न को देखता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा न्यूज़ आपके काम का है। अच्छा न्यूज़ दिखने के बावजूद भी मैं कुछ न्यूज़ को ज़रूर छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मुझे विश्वास होता है कि यह न्यूज़ आपके काम का नहीं होगा और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होगी। अगर उसको कहीं आप सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आंसर नहीं बन सकते हैं, इसलिए मैं उसे ऐसे न्यूज़ को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ आज हम लोग जो शॉर्ट न्यूज़ पूरे सप्ताह के रह जाते हैं उसको करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसके आधार पर सप्ताह भर में हमने जो भी चीज़ें अभी देखी थी जिसका कि टेस्ट 2-3 दिन से नहीं हुआ है, तो कल आपके लिए एक टेस्ट सेशन रख दिया जाएगा। कल सैटरडे है, कल 2 अक्टूबर भी है, ध्यान रखिएगा, तो कहीं छुट्टी मत मनाने लग जाएंगे आप लोग, बहुत सारे क्लासेस बंद भी रहेंगे, लेकिन मेरी क्लासेस कल ओपन रहेगी और मैं कल टेस्ट आपका यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही मेरी क्लास समाप्त होती है टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको सेंड कर दूंगा PDF को, एक बार फिर से PDF देख करके अपने आप को तैयार कर लेंगे और फिर टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे। आज छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष विजय जी, रमन भारद्वाज, बिल्कुल ठीक है, विकास जी, मनीष सिंह, सभी का बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज़ थे जो कि आज शॉर्ट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, जिसको कि मैंने यहाँ पर कवर किया है। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में एक न्यूज़ जो कई दिनों से घूम रहा था, मेरे साथ ही घूम रहा था, तो ये घूम रहा था कि स्विस अप्रूव सेम सेक्स मैरिज बाय वाइड मार्जिन इन रेफरेंडम, यानी वाइड मार्जिन, बड़े मार्जिन से जो होमोसेक होता है तो उसके लिए यहाँ पर एक अप्रूवल दे दिया गया है स्विट्जरलैंड की संसद के द्वारा। स्विट्जरलैंड की संसद के द्वारा यह दे दिया गया है आपको कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड है कहाँ, जरा इसको देख लीजिएगा। स्विट्जरलैंड जर्मनी, फ्रांस के ठीक नीचे, इटली के ठीक ऊपर आपको दिखाई देगा। पहले यह क्षेत्र आपको दूसरे देशों के रूप में होता था। जब ऑस्ट्रियन साम्राज्य, हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है, जब ऑस्ट्रियन साम्राज्य हुआ करता था ये सब सारे क्षेत्र उसमें हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में जाकर के धीरे धीरे ये देश स्वतंत्र होते चले जाते हैं और एक बहुत बढ़िया देश बनकर के उभरता है। यहाँ पर देखते हैं, सर्वत्र शांति और खुशहाली ही होती है, सर्वत्र शांति और खुशहाली आपको दिखाई देगी। और स्विट्जरलैंड के लिए हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि यहीं पर बहुत सारे मुख्यालय भी होते हैं और चूंकि यूरोप के केंद्र में है तो यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो समलैंगिक विवाह की अनुमति दिया गया है वह यूरोप का कोई पहला यह देश नहीं है। कुछ ही देश ऐसे बचे हैं जहां की समलैंगिक विवाह को अभी अनुमति नहीं है, बाकी यूरोप के सभी देशों में यहां पर हो चुका है। समलैंगिक विवाह को भारत में तो कम से कम मान्यता प्राप्त नहीं है, बहुत सारे हालांकि यहाँ भी एक्टिविटीज होती रहती है अगर आपने देखा होगा तो, लेकिन यहाँ पर भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को अनुमति नहीं दी जाती है। और यह कहना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि अपनी बातों को थोपना होगा कि कोई क्या मानता है नहीं मानता है, लेकिन अब जिस प्रकार से सर्व स्वीकृति मिल रही है वह भी अपने आप में, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा कुछ दिन पहले इस पर फैसला भी सुनाया हुआ था। तो इस देखिए न्यूज क्या है, स्विट्जरलैंड में मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का फैसला किया है और यह स्विट्जरलैंड को ऐसा करने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बनाता है। यानी यहाँ पर पश्चिम यूरोप का अंतिम देश था जिसने कि अभी तक अनुमति नहीं दी थी और बाकी सभी देशों में इसकी अनुमति मिल चुकी है। जब सर्व स्वीकृति का दौर आता है तो वहाँ पर किसी सरकार के लिए रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब जनता की डिमांड है तो भाई करो, आपको समलैंगिक शादी करनी है तो करिए। मुख्य बिंदु क्या हो गया कि सभी जोड़ों के लिए शादी के विकल्प को खोलने के अलावा सरकार ने स्विट्जरलैंड के विवाह कानून में एक संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए मतदाताओं के लिए एक जनमत संग्रह रखा गया था और सभी मतदाताओं ने, जो भी मतदाता इसमें भाग ले रहे थे, सभी ने इसकी सहमति दे दी। यह कानून समलैंगिक जोड़ों को शुक्राणु बैंकों तक पहुंच प्रदान करने के साथ, ध्यान रखेगा इस बात को, यह कानून समलैंगिक जोड़ों को शुक्राणु बैंकों तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ समलैंगिक जोड़ों को बच्चों को गोद लेने की भी अनुमति देता है। ये एक विशेष बात हो जाती है। जब समलैंगिक जोड़े होते हैं तो अब तो हालांकि जो क्लोनिंग वगैरह की तकनीक से आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, एक ही गुणसूत्र के माध्यम से बच्चे का जन्म हो सकता है, लेकिन यह तो हकीकत है कि जब तक अंडाणु और शुक्राणु का मेल नहीं होगा तब तक बच्चे का उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मौके पर कि आप मातृत्व सुख भी लेना चाहते हैं, आप पितृत्व सुख भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको जेंडर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि बहुत सारे पुरुष होते हैं जो महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और मानते हैं कि ये इसके साथ रहने का मतलब है कि जीवन नरक हो जाना। ऐसे ही भावना के कारण से समलैंगिकता का विकास होता है। और यहाँ पर लेकिन आपने उस चीज को नहीं छोड़ा, समलैंगिकता के दायरे में आप आए लेकिन आपने उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा जो कि मानव की मूल प्रवृत्ति होती है, संतान को उत्पन्न करना और संतान के पालन का सुख प्राप्त करना। तो सरकार ने इसको स्वीकृति दी और कहा कि आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो स्पर्म बैंक होगा उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, या समलैंगिक जोड़ा चाहे तो गोद भी ले सकता है। इस संशोधित कानून के तहत समलैंगिक जोड़े सिविल वेडिंग कर सकेंगे, यानी विवाह कर सकेंगे और उन्हें विषम लैंगिक जोड़ों के समान ही संस्थागत और कानूनी अधिकार भी दिए जाएंगे। यानी कानून बनने का मतलब होगा अब यह समलैंगिकता क्या है, अपराध नहीं होगा। जनमत संग्रह के माध्यम से इसे मंजूरी दी गई है। 64.1% मतदाताओं ने कानून परिवर्तन को स्वीकार किया है और इसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूत समर्थन मिला है। आप समझ सकते हैं कि कोई समाज कैसे बदल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगला 50 वर्ष जो होने वाला है, आप लोग तो शायद उस दुनिया को भी देख रहे होंगे और मेरी बात को याद कर रहे होंगे कि सामाजिकता, ग्लोबलाइजेशन ने सामाजिकता में किस प्रकार से बदलाव लाया है। अब आप जिम्मेवारी, समलैंगिकता का मतलब होता है कि हम जिम्मेवारी रहित विवाह करना चाहते हैं, यानी बच्चों से के पालन पोषण की जिम्मेवारी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन यह समाज अभी स्टेबल नहीं हुआ है। समलैंगिक जोड़े हम बना रहे हैं, समलैंगिकता के ऊपर हम जा रहे हैं, व्यापक समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन यह समाज अभी भी उस दायित्व से मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसको लग रहा है कि शायद सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी और पता नहीं यह समाज किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो होता है वो ग्लोबल होता है, यानी यहां अभी जनमत संग्रह हो रहा है तो दूसरे देशों, आपने यूरोप में देखा कि लगभग सभी देशों में समलैंगिकता को यहाँ इजाजत दी जा चुकी है। ये लोग अंतिम थे, खाली इटली जैसा देश है जिसको कि अभी इजाजत नहीं मिली है। तो जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य होते हैं उसको बहुत ही धीरे से समझने की, बहुत गंभीरता से आपको समझने की जरूरत होती है। समाज में कुछ परिवर्तन ऐसे हो रहे होते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन धीरे 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 कालक्रम से उसको एक्सेप्टेंस मिलता चला जाता है। जबकि आप देखते हैं कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, हम लोग मान के चलते हैं कि यह शहरी क्षेत्रों की समस्या रही होगी, और लेकिन यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसको समर्थन मिलता है। और संघीय सरकार ने 2020 में विवाह कानून को मंजूरी दी थी, और इसी क्रम में संसद ने सभी जोड़ों को समान अधिकार प्रदान किया हुआ था। स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़े 2007 में एक नागरिक साझेदारी में प्रवेश करने से सक्षम है और उन्होंने कुछ कानूनी अधिकार भी प्रदान किया गया है। और पश्चिमी यूरोप में इटली अब एकमात्र ऐसा देश रह गया है, चूंकि इटली में पोप साहब वगैरह भी हैं जो कि इस चीज को मान्यता नहीं देते हैं, जो कि समलैंगिकता को अनुमति नहीं देता है, कानूनी अनुमति नहीं देता है। केवल पश्चिमी इटली में एकमात्र देश इटली ऐसा रह गया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां और चीज देखना होगा कि इस संशोधित कानून से क्या हो जाएगा, स्विस व्यक्ति को विदेशी जीवन साथी के लिए भी स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर कोई समलैंगिक जोड़ा, क्योंकि अब इसे विवाह के तरह ही मान्यता दी गई है, तो अगर कोई वैवाहिक जोड़ा जो कि विषमलिंगी नहीं है, समलैंगिक है, अभी तक क्या होता था, अगर कोई पति काम कर रहा है तो पत्नी को भी नागरिकता मिल जाती थी अगर वहां पर रहने लगती है तो, लेकिन अब तो विषमलिंगी को भी यहां पर मिलेगा, और यह भी एक महत्वपूर्ण यहां पर परिप्रेक्ष्य होगा। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड का समाज किस हिसाब से बदल रहा है, कानून बदल रहा है, उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल रहा है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश हैं जिन्होंने की अब तक ये मान्यता दे दी है। अब बचा कौन, बस खत्म है, इसके ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। तो ठीक है, एक न्यूज हमारा था। देखते हैं समलैंगिकता पर क्या प्रश्न बनेगा और कैसे प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से सामाजिक परिप्रेक्ष्य यह दुष्प्रभावित करता है। भारत एक ट्रेडिशनल समाज है, अगर यहाँ ट्रेडिशनल लोगों से पूछेंगे तो कहेगा कि घरघोर अन्याय हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन समाज बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकृति दी हुई है। चलिए, दूसरा न्यूज देखेंगे जो इस सप्ताह हमारा छूटा हुआ था। वह न्यूज था आपका कि यूएनजीए में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जो प्रमुख बिंदु हुआ करते थे, जो इन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की है, वह यहां पर हम लोग देखेंगे। समलैंगिकता का मतलब होता है, कुमार अभिषेक जी, जब हम शादी करते हैं तो विषमलिंगी में करते हैं, जैसे शादी करते हैं, विवाह करते हैं तो विषमलिंग में करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, जिसमें हम लोग नाचने खाने के लिए जाते हैं। तो यहां पर एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है। जो संतानोत्पत्ति के लिए जब विवाह संबंधी अवधारणा को देखेंगे तो 8 प्रकार के विवाह मिल जाते हैं, विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं, सब कुछ आपको बताया जाता है सामाजिक परिवेश में। यहां पर विवाह का मतलब होता है एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह साथ में होकर के हो। अगर पुरुष और पुरुष का विवाह हो, स्त्री और स्त्री का विवाह हो, तो उसे हम समलैंगिक कहेंगे, यानी एक ही जैसा लिंग जिसका हो उसमें विवाह हो जाना। तो विवाह हो जाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, खास करके जो संतानोत्पत्ति की बात होती है वह अनिवार्य रूप से विषमलिंगी में ही होना है, क्योंकि भगवान ने यह बनाया ही है, इसी प्रकार से बनाया है कि जब तक दोनों संपर्क नहीं आएंगे तो यहाँ पर संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अब विषमलिंगी संतान का भी सुख ले सके, इसके लिए कानून में परिवर्तन कर दिया कि भाई आप बच्चे को गोद ले लो, आप तो संतान नहीं उत्पन्न कर पाओगे, हाँ साइंस की मदद से आप कर सकते हैं कि एक ही गुणसूत्र से अब बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन वह तो एक्सेप्शनल केस होगा। सभी लोगों के पास यह इतनी सुविधा नहीं होगी कि इतने बड़े टेक्नोलॉजी को अवेल कर सके, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी काफी महंगी है और उसका कोई मजा भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भाव उत्पन्न किया जाए, अगर मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखूं तो संतान को प्राप्त करने का सुख जो होता है उसके पेन से भी जुड़ा होता है, यानी एक संतान को छोटे से लेकर के बड़े तक आप उसको झेलते हैं, कितना परेशानी देता है एक छोटा बच्चा, और कैसे कैसे आप बड़े होते जाते हैं, बड़े करते जाते हैं, उसके साथ एक सामाजिक सरोकार जुड़ जाता है। हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि जब हम वृद्ध होंगे तो हमारा वह केयर करेगा, और वह भी आपसे बिल्कुल लगाव रखता है, बचपन से ही आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। माता पिता के साथ इतना अटैच्ड होता है वो बच्चा, क्योंकि बचपन से ही हम अपने गोद में उसे रखते हैं और हर प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं। क्या विषमलिंगी समाज में ऐसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब बातें विचार की बातें होंगी, जबकि आप इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर आप जीएस के फर्स्ट पेपर में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उस पर भी आप जाकर के प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ सामाजिक सरोकार तो निश्चित रूप से परिवर्तित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, क्या समलैंगिक विवाह से कुछ सामाजिक परिप्रेक्ष्य परिवर्तित होंगे, तो आप इस पर भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य रूप से अगर समलैंगिकता चर्चा में है, भारत में भी इसकी स्वीकृति बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपराध घोषित नहीं किया है, अपराध नहीं रहने दिया है, तो यहां पर भी सवाल तो उत्पन्न होंगे, और यूपीएससी ऐसे ही चीजों को ढूंढ रही होती है जो थोड़ा सा विवादास्पद हो और थोड़ा सा आपके लिए अलग से परिप्रेक्ष्य बना करके रखने वाला हो। ठीक है बच्चे? नहीं, सचिन तेवतिया, इससे जनसंख्या नहीं बढ़ेगा ना। जनसंख्या तो बढ़ता ही रहेगा, इसमें इजाजत दे दी गई है, इसमें इजाजत दे दी गई है कि आप जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे शुक्राणु बैंक तक पहुंच दे दी गई कि आप जो स्पर्म बैंक बनाया गया है वहां से जाकर के, जैसे महिला है, दो महिला ने शादी कर लिया, दो महिला ने अगर शादी कर लिया तो यहाँ तो संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती है, या दो पुरुषों ने ही शादी कर लिया तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर जो स्पर्म बैंक होता है वहां तक पहुंच दे दी जाती है कि आप वहां से ले सकते हैं और स्पर्म को ले लीजिए, और उसके माध्यम से आप क्लिनिकल तरीके से यहाँ पर बच्चों को पैदा कर सकते हैं। अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेटर है कि आप बच्चों को गोद ले लीजिए, इतने सारे अनाथ बच्चे हैं। अगर देखा जाए तो जब समलैंगिकता पर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ा सा कभी कभी सकारात्मक भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने देखा है समाज में, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और आपकी ही बात मैं कह रहा हूं, कितने सारे अनाथ बच्चे होते हैं, स्टेशन पर पल रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ऐसे अन्य जगह पर पल रहे होते हैं जिसके कोई माता पिता नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर गोद ले लिया जाए तो शायद उसका भविष्य सुधर सकता है। यहां अगर समलैंगिक जोड़े बनते हैं तो हो सकता है कि इन बच्चों के भविष्य को समान में, कितने सारे बच्चों के आश्रम चल रहे हैं जहां की बच्चों का कितना शोषण होता है, हो सकता है कि इसी दिशा में उसका कल्याण लिखा हुआ हो। मे बी पॉसिबल आप लिख सकते हैं, मे बी पॉसिबल के रूप में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसलिए आप जस्टिफाई मत करने लगिएगा कि हाँ समलैंगिकता रहेगी तभी बच्चों का कल्याण होगा। बच्चों का कल्याण तो एक बच्चा रहने के बाद भी लोग कर सकता है, नहीं है तो अगर भावना नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे परिप्रेक्ष्य थे, ध्यान रखिएगा, यह मुख्य परीक्षा का भी परिप्रेक्ष्य बनेगा। ठीक है, यह मुख्य परीक्षा का भी परिप्रेक्ष्य बना करके लाएगा, ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए नंदू जी वेरी गुड मॉर्निंग। बात को समझिएगा, आप लोग चूंकि अब बड़े हैं, वयस्क हो चुके हैं, तो जब वयस्क हो चुके हैं तो आपको सारी बातों को ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिकता हमारी होती है, जिस समाज में हम पले बढ़े होते हैं, वह सामाजिकता हमें नई बातों को एक्सेप्ट नहीं करने देता है। जैसे हम लोगों की आयु, हम लोग अब नई बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने में, हालांकि यूपीएससी को पढ़ाते हैं तो कर लेते हैं क्योंकि इतनी विचारधारा हमारी उत्कृष्ट है। यदि मैं इस उम्र में गांव में रहा होता और ग्रामीण समाज का हिस्सा होता तो शायद इन सभी बातों को मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता, और इवन बोलने में भी अब मेरे चेहरे पर थोड़ा सा तनाव होता क्योंकि मैं अंदर से गुस्से से भरा होता। लेकिन बदलते हुए समाज को मैं यहाँ महसूस करता हूँ दिल्ली में रह करके, और देखता हूँ कि समाज कैसे बदल रहा है, और समाज में अगर किसी चीज की स्वीकृति बढ़ रही है, इसका मतलब है कि समाज उस जरूरत को महसूस कर रहा है। इसलिए आपको, भले आपकी विचारधारा इससे अलग हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी विचारधारा अलग भी हो सकती है, लेकिन उसका आपको यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में आकलन करना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो आपका होगा वो अलग है, उसके परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं करना है। चलिए लेट्स गो, दूसरे न्यूज को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हमारा क्या दिया है, यूएनजीए में संबोधन किया है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री पिछली बार तो नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपना स्थान बनाया वहां पर। और जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होते हैं तो उनकी बातें गौर करने लायक होती है कई मुद्दों पर। एक तो भारत के गौरवगान की बात हो गई, उस मुद्दों पर कि आप समझ पाए कि भारत कैसे विकास कर रहा है, क्या सरकार जो भी है, क्या उसने जो योजनाएं लगाई है, क्या उसका कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी बन सकता है। दूसरा, कूटनीतिक स्तर पर हमारी धमक बढ़ती है जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं, शांति और अहिंसा की बात करते हैं, मानवाधिकार की रक्षा की बात करते हैं, तो हमारी धमक थोड़ी सी बढ़ती है और पूरे विश्व को अपनी बात सुनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हो जाता है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है और प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर यहां पर बातें रखी अपनी, खास करके अफगानिस्तान के मुद्दों पर और भारत की उपलब्धियों के मुद्दे पर। भारत ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान जो वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई थी, उस समय चलाई थी, हालांकि बाद में आपको याद होगा कि अप्रैल से लेकर के जून तक जब अपने देश में फिर से दोबारा लॉकडाउन लगा था, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मोदी साहब की थू थू कर रहा था। वाशिंगटन पोस्ट को देखिए या न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, जितने भी बड़े मीडिया हैं सभी, खास करके जो आपके चाइना के ग्लोबल टाइम्स हैं, वो सब तो समझिए मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे मीडिया को। कभी कभी मौका लगेगा तो उसको भी आप रेफरेंस में ले सकते हैं, कभी मौका लगे तो उसको भी देखिएगा कि क्या अंग्रेजी के जो पेपर होते हैं वो सभी बड़े विचित्र तरीके से बिहेव करते हैं भारत के प्रति। आप कभी बीबीसी के साइट पर जाइए तो बीबीसी के साइट पर सारी बातें आपको वही बताई जाएगी जो करंट अफेयर्स में होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वहां पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण ज्यादा मिल जाएगा, तो आप कहने लगते हैं कि यह आलोचना कर रहा है भाई, खाली भारत की बुराई तो करता ही नहीं है। तो सभी चीजों को देखना जरूरी होगा। तो यहां पर एक मुद्दा यह होता था, जैसे कोविड-19 के दौरान उससे सेकेंड वेव से ठीक पहले भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन को निर्यात किया था और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी देशों को देने की कोशिश की थी। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उस समय बड़ी आलोचना की थी कि मोदी जी आपको पहले अपना घर तो बचा लेना चाहिए था, आपको अपने घर में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और आप दूसरे को दे रहा था, आपको पता ही नहीं था कि मेरे देश में कोविड की क्या भयानक स्थिति होने वाली है और आप दूसरे देश को बचाने चल पड़े थे। बहुत आलोचना हुई थी और देश स्तर पर भी बहुत ज्यादा आलोचना इसकी आलोचना हुई थी। लेकिन जब आप क्वाड समिट आप देखेंगे, क्वाड समिट में जिस प्रकार से कोविड डिप्लोमेसी को सराहा गया, भारत के प्रयासों को यूनाइटेड नेशंस ने सीधे सीधे सराहा और कहा कि भारत के प्रयास ऐसे थे जिससे कि गरीब मुल्कों में वैक्सीनेशन संभव हो पाता। और अब भारत के इन्हीं प्रयासों को सलाम करते हुए सभी देशों ने मिलकर के, खास करके क्वाड देशों ने जो निर्णय लिया कि हम वैक्सीन की सप्लाई कम से कम 31% से ज्यादा, जितने भी देश हैं जो गरीब देश हैं, जो वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, वैक्सीन के उत्पादन में निवेश नहीं कर सकते हैं, उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप सभी इंपैक्ट को समझ करके देखेंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्या यहां पर यूएनजीए में संबोधन किया है और यहां पर इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है, मुश्किल से कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखने की यहां पर कोशिश की है, कुछ पॉइंट्स में केवल यहां लिखने की कोशिश की है। सचिन तेवतिया ने कहा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल इस पर मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, अगर होगा तो किसी दिन आपके लिए ऐसे ही किसी दिन ले आऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर आते हैं क्या कहता है। यूएनजीए में प्रधानमंत्री का संबोधन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को यूएनजीए में संबोधित किया था। चूंकि यह छोटे छोटे न्यूज जो बचे हुए थे उसको हम लोग यहां आज कवर करने आ रहे हैं, तो कुछ पीछे का न्यूज भी आपके पास आएगा। और यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि संबोधित करते हुए भारत में लोकतंत्र की अस्थायी और मजबूत परंपरा को रेखांकित किया जिसने देश की विविधता से ताकत हासिल की है। ध्यान रखिएगा सभी बातों को, क्योंकि आपको हर समय ये पॉइंट के रूप में यूज करना होगा। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप मान के चलें जीएस के सभी पेपर को आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी पेपर में जाकर के बैठ जाता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। उन्होंने क्या कहा, भारत की अस्थायी और मजबूत परंपरा को उन्होंने रेखांकित किया जिसने देश की विविधता से ताकत हासिल किया है। यानी भारत की ताकत ही है अनेकता में एकता का होना, एकता में अनेकता का होना। प्रधानमंत्री ने अपने यूएनजी भाषण में कहा कि विस्तार और बहिष्कार की दौर से दूर रहने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि हमें विस्तार भी नहीं करना है, हमने चाइना को सीधे टारगेट किया और हम चाइना का बहिष्कार भी नहीं करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना तो विस्तार की गुंजाइश अब बची हुई है, ना बहिष्कार की जरूरत बची हुई है। यानी हम अगर सर्वसमावेशी विश्व बनाना चाहते हैं तो हमें इन प्रवृत्तियों से बचना होगा। चाइना ने अचानक से आप देखेंगे कि कुछ पिछले 10 वर्षों से अचानक उसमें चाहत जग गई है, मैं विश्व की शक्ति बनकर के उभरूंगा और यहां पर अमेरिका इत्यादि सबको पीछे छोड़ूंगा। ये बात सत्य है कि चाइना के चाहने या नहीं चाहने से आज न कल एशिया का विकास होना ही था। पहले हमने देखा यूरोप का विकास हुआ, अमेरिका का विकास हुआ, लेकिन अगली सदी एशिया की होने वाली है, क्योंकि अगले 50 वर्षों में नहीं बल्कि 30 वर्षों में ही एशिया सर्वशक्तिशाली बनने वाला है। जो एशिया में इनोवेशन का दौर प्रारंभ हो रहा है वह एशिया को कहीं ले जाकर के आगे खड़ा कर देगा। इसमें वाहक होगा, जापान होगा, चीन होगा। यही दोनों देश है जो एशिया को बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। यहां पर लेकिन अगर हम इनोवेशन के दौर में जाते हैं तो विस्तारवाद से हमें बचना होगा, और विस्तारवाद से भी नहीं बचना होगा बल्कि मनमाने तौर पर कूटनीति का प्रयोग करने से भी बचना होगा। जैसे कि भारत ने बार बार इस बात को इंगित किया है कि तालिबान शासन अगर आया है और उस तालिबान शासन से वैश्विक नेताओं ने अगर यह आश्वासन नहीं लिया कि आप महिलाओं का कल्याण करेंगे, यानी महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, महिलाओं को परेशान नहीं करेंगे, बच्चियों को स्कूल जाने देंगे, आप आतंकवाद का प्रसार नहीं करेंगे, देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेंगे, अगर यह आश्वासन किसी देश ने नहीं लिया और तालिबान शासन को समर्थन कर दिया, इसका मतलब है कि वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता से आपका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने नहीं बल्कि चाइना ने यही किया, एग्जैक्ट यही किया, जिसकी वजह से भारत के अरबों खरबों के निवेश डूबने की संभावना बन गई है। कोई भी देश किसी ऐसे अशांत देश में, आप पिछले 20 साल में देख लीजिए, अफगानिस्तान नहीं होता यदि भारत ने निवेश नहीं किया होता। जिस हाईवे पर तालिबान अपनी गाड़ियों को दौड़ा रहा होता है वह भारत का बनाया हुआ है। वह तालिबान अभी भी गड्ढों में चल रहा होता अगर भारत ने 20 साल पहले अपना महत्वपूर्ण निवेश अफगानिस्तान में नहीं डाला होता। तो ऐसे प्रयासों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किया जाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री ने यही बातें कहने की कोशिश की है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक एक शब्दों को आप पकड़ करके पूरे ऐसे को लिख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं जो यहां पर विश्लेषण करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डेवलप हो जाए। क्या कहा उन्होंने कि कहा कि विस्तार और बहिष्कार की दौर से दूर रहने की जरूरत है, और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास सर्वसमावेशी हो। क्या हो? विकास जो हो वह सर्वसमावेशी हो, यानी सभी का विकास हो, सार्वभौमिक हो, सार्वभौमिक और सभी का पोषण करने वाला हो। जितने भी व्यक्ति हैं, यहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, इस पर हम लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि इस पर विवाद भी हो सकता है। उन्होंने अपनी सरकार की कुछ योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और पीएम जनधन योजना पर प्रकाश डाला है। इसकी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह तो माना जा सकता है कि इन सभी योजनाओं ने गरीबों को एम्पावर्ड करने की कोशिश की है। और पीएम मोदी ने क्या कहा? लोगों की दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा इससे एक ऐसे वैश्विक मूल्य को बनाने में मदद मिली है जो कि विविधतापूर्ण है, लचीली है और विस्तारित है। सबसे अच्छा उदाहरण आपका यूट्यूब आता है। यूट्यूब है, या पहले तो अब तो बैन हो गया, टिकटॉक जैसे वीडियो है, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस फेसबुक वगैरह पर मैं देखता हूँ और देखता हूँ तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। आश्चर्य लगता है वैसे वीडियो को देख करके, जिसमें कि एक ग्रामीण क्षेत्र का, बहुत ग्रामीण क्षेत्र का, ऐसे तो आप बात भी करना शायद पसंद नहीं करेंगे, और एकदम ट्रेडिशनल वेस में जो लुंगी है या जो फटे पुराने कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, उसमें कहीं कोई मेकअप का सामान उसमें नहीं लगा हुआ है बॉडी में, और उसने वही पहना हुआ है जो कि वह घर में पहनता है। और वह कोई क्रिएटिव वीडियो बनाता है, छोटा सा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाता है, चाहे किसी भी प्रकार का वीडियो हो, और उसको लाखों लाख लोग देख रहे होते हैं। क्या टेक्नोलॉजी ने एम्पावर नहीं किया बच्चों को? क्या वैसे क्षेत्र को एम्पावर नहीं किया जहां की जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे कि ऐसी प्रतिभाएं भी होती है? कोई गाना गा रहा है, छोटे बच्चे के द्वारा गाना गाया जा रहा है तो मुख्यमंत्री को भी अच्छा लग रहा है, जबकि उसके गाने में कोई धुन नहीं है, कोई रस नहीं है, और वह यह भी नहीं समझ पा रहा होता है कि गाने के बोल क्या है। बस उसके जुबान पर चढ़ गया, उसने उस गाना को गा दिया और कहाँ हो गया? बड़ा फेमस हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने कई प्रकार से जो ग्रामीण समाज है या सर्वसमावेशी समाज बनाने में हमें मदद प्रदान की है। हम वैसे लोगों को, अभी एक रिपोर्ट आया था, हिंदू में देख रहा था, कि कहा गया था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने खास करके दिव्यांगों के जीवन में बहार से ला दी है। यानी दिव्यांग अपने घर में बैठ करके कम संसाधन का खर्च करके कोर्स ले सकते हैं, अच्छे अच्छे कोर्स अब आ रहे हैं, और यहां पर उसको उसका भी एम्पावरमेंट हो सकता है। और मैंने खुद महसूस किया है कि जिस ग्रामीण समाज से मेरा बिलोंग, मतलब मैं जिस ग्रामीण समाज को पढ़ा रहा होता हूं, वह कितना अधिक एम्पावर्ड हुआ है। मैं उन बच्चों से बात करता हूं जिसके घर में लाइट नहीं होती है, टीवी टावर के नीचे, मोबाइल टावर के नीचे जाकर के वो अपने ऑनलाइन क्लास को कर रहे होते हैं। क्या नहीं मानते हैं कि इस तकनीकी ने हमारे समाज को परिवर्तित करने का काम किया है? मानना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। अगर तकनीकी नहीं होती तो क्या ये परिवर्तन हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में देख सकते? क्या यह ऑनलाइन एजुकेशन अगर नहीं पहुंच पा रहा होता आपके मोबाइल पर, तो क्या दिल्ली में 4 लाख 5 लाख रुपए का फी और हर महीने 15 से 20 हजार रुपया खर्च करने की जहमत आप उठा पाते? क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का सपना होता कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूं? और वह सपना आज न कल तो साकार जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे जुड़े हैं, आज न कल सपना साकार जरूर होगा। मेरी बात को खाली ध्यान से समझिएगा, लेकिन आपको सतत प्रयास करने की जरूरत है। आज प्रयास करेंगे, कल प्रयास करेंगे, परसों प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे और आप ही इस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। जब आप कहते हैं कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आएगा क्यों नहीं? जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रोकने वाला कौन होता है? रिजल्ट रोकने वाला आपका मुख्य परीक्षा होता है। और मुख्य परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा? मुख्य परीक्षा में हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, मैंने अपने घर के बच्चों को देखा जिसको कि सारी सुविधाएं मिली हुई है, सारी सुविधाएं मिल सकती है जितनी भी एक बच्चे को हो सकती है, और मैं देखता हूं कि किताबों से सरोकार समाप्त हो गया है। वो मोबाइल पर, फोन पर, टैबलेट पर सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल बुक पढ़ने में किसी का इंटरेस्ट नहीं रह गया है। और जब तक हम उस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, हमारा ज्ञान अधूरा हो जाता है। अगर मैं किसी चीज को जोड़ करके बता पाने में सक्षम हो रहा हूं तो यह मत समझिएगा कि ये बातें मैंने कहीं पढ़ी है आपको पढ़ाने के लिए। ये बातें तो जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा हुआ है, पुस्तकों से सीखा हुआ है, अपने गुरुजनों से सीखा हुआ है। ये बातें भी आपको लानी पड़ेगी और धीरे धीरे आप ला रहे हैं, मेरे प्रयासों से ला रहे हैं, हमारे जैसे असंख्य जो टीचर हैं उनके प्रयासों से आप ला रहे हैं। और देखिए, आप पहले साल भर पहले कहां हुआ करते थे, साल भर बाद कहां आप हैं और साल भर बाद कहां रहेंगे, इसकी भी कल्पना आप कर लीजिएगा। कहां तक आप पहुंच जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है ना बच्चे? यहां पर देखेंगे, यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? विविधतापूर्ण, लचीली और विस्तारित वैश्विक मूल्य की श्रृंखला पर जोर दिया। और प्रधानमंत्री ने यूएनजी भाषण के दौरान चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया है। यहां पर हमने चाणक्य की बात तो की, चाणक्य के बारे में भी जानते हैं, लेकिन चूंकि यह सरकार बहुत दिनों से है, 2014 से यह सरकार है, फिर भी बहुत सारे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होगा कि बीजेपी बार बार दीनदयाल उपाध्याय, जब भी योजना देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय का ही नाम आएगा। मुगलसराय स्टेशन का नाम चेंज करने वाली की बात हो या कुछ भी हो, तो क्या एक मौका आता है किसी दिन मैं समय निकाल करके जरा इनके ऊपर, इनके व्यक्तित्व के ऊपर अलग से मैं एक क्लास ले लेता हूं, आपका विशेष क्लास एक ले लेता हूं, ताकि दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी आप जान पाए। क्योंकि जो सत्ता में है सरकार, उन्होंने 10 वर्षों से इनकी आराधना की है, इनको इनकी बातें की है, तो जरा इनके ऊपर भी प्रकाश डाल दिया जाए कि दीनदयाल उपाध्याय थे कौन। और यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार से इनका योगदान रहा है समाज को बनाने में। ये सारी बातें उन्होंने कहा। अफगानिस्तान के क्षेत्र में उन्होंने विशेष तौर पर फोकस किया और कहा कि अफगानिस्तान क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधियों की नहीं किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने अपने समाज के लिए कहा, इस बात पर भी बल दिया कि दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जा सके। आप लोग का जन्म हो रहा होगा, यह जन्म हुआ है, उसी समय हमने देखा था कि एक विमान का अपहरण करके काबुल ले जाया गया था, कंधार ले जाया गया था, और उस विमान के बदले वैसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ना पड़ा था जो अभी पाकिस्तान में रह करके भारत के लिए एक चुनौती सी बने हुए हैं। और यह पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून बना हुआ है कि अगर विमान अपहरणकर्ता किसी भी देश में जाते हैं, क्योंकि विमान अपहरण की घटना एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, तो पूरे विश्व ने मिलकर के कानून बनाया है कि विमान अपहरणकर्ता को हम कभी भी संरक्षण नहीं देंगे और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यहां पर सजा भी दिलवाएंगे। सभी देशों ने स्वीकृति की दी है और पाकिस्तान ने भी दी हुई है, लेकिन भारत ने जिस दुर्दांत अपराधी को छोड़ा वह पाकिस्तान में सर्वे सर्वा बन करके बैठा हुआ है। तो कितना दुर्भाग्य रहता होगा, कितना दुर्भाग्य है इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का, तो आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा, इस सर्वसमावेशी समाज को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये अफगानिस्तान में ऐसे कुछ काम नहीं करना है ताकि वह दूसरा ISIS बन करके हाजिर हो जाए। और यहां पर इन्होंने डाला कि महासागर तक सबकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। जो महासागर है, समुद्र में है, वह सबकी साझी विरासत है और यहां पर किसी प्रकार के विस्तार की चर्चा यहां पर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर विस्तार करते हैं, इसका मतलब होता है सर्वसमावेशी समाज को हम ठुकरा रहे होते हैं। बहुत सारे और भी उन्होंने उदाहरण दिए थे, जरा इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में देख लीजिएगा। राइट, यहां पर एक छोटा न्यूज और आया हुआ था, थर्ड न्यूज हमारा होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? अगर यहां तक मैं चैट देखो, बीच में चैट नहीं देख पा रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? हाँ दीपचंद जी, थोड़ा सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य लेकर के चलते हैं ना। देखिए, जब फीलिंग्स डालते हैं आप अपने राइटिंग में, जब थोड़ा सा फीलिंग्स डालते हैं, फीलिंग्स कहां से आएगा? फीलिंग्स हम ही लोगों के हिसाब से आएगा। चीन को आर्य आथों लिया महासागर को लेकर के, ठीक है। चलिए, अंशिका सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, गणेश कुमार पासवान जी वेरी गुड मॉर्निंग, नीलम यादव चलिए बहुत बढ़िया, हाँ विवेक जी चलिए बहुत बढ़िया, रमन भारद्वाज। टेलीग्राम आईडी क्या है? वर्मा जी ने पूछा टेलीग्राम आईडी क्या है। वैसे तो आपको टेलीग्राम आईडी शुरू में भी मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही क्लास समाप्त होगा, इसमें कुछ न्यूज अगर रह भी जाते हैं तो भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड इसलिए करूंगा कि कल मैं सभी न्यूज के ऊपर बारी बारी से टेस्ट लेने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से कम इस न्यूज को पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपने मित्रों को पराजित करना चाहते हैं तो आपको खुशी होती है ऐसे मौके पर जब कंपटीशन में आप आते हैं। जो कंपटीशन दे रहे हैं वो सरल कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सरल प्रतियोगिता नहीं है। यह प्रतियोगिता आपके मित्रों के बल पर ही आपको जीतनी होगी। मित्रों से आप सहायता प्राप्त करेंगे और मित्रों को आप पराजित करके आगे बढ़ेंगे, अपना सीट सुनिश्चित करेंगे, और यह हेल्दी प्रतियोगिता होती है। अब मेरी बात का गलत मत अर्थ लगा लीजिएगा और कोई मित्र दूसरी मित्र को गलत सहायता मत कर दीजिएगा। हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे ना, तो यहाँ पर अगल बगल बैठा करते थे, और जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता था तो ऐसे थोड़ा सा नजर झुका के देख लेते कि बगल वाला क्या कर रहा है, और बगल वाले के आंसर को देखते ही अपना कॉन्फिडेंस खराब हो जाता था। लगता था कि शायद वही सही है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये बैठा हुआ होता था कि मुझे ज्यादा आता कुछ नहीं है और बगल वाले को बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो बोल बोल करके, मतलब क्लास में अगर आंसर वगैरह पूछा जाता था तो सीधे वो बता दिया करता था। तो मुझे लगता था कि मुझे तो, मेरे सामने तो, मतलब उसके सामने तो मेरा ज्ञान जीरो है, इसलिए बगल अगल देख करके सुनिश्चित कर लेता था कि उसने क्या लिखा है। अगर वही लिखा है जो मैंने लिखा है तब तो ठीक है, अगर उसने गलत दूसरा आंसर दिया है तो अपना भी आंसर बदल दिया करते थे। ये अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, सबके लिए मैटर है। और यह मैटर में तुरंत पीडीएफ जैसे ही क्लास समाप्त होता है, विद इन 5-10 मिनट के अंदर मैं यहाँ आपको इस चैनल पर दे दूंगा। ये अनअकैडमी का चैनल है, डॉक्टर संजन कुमार मेरा नाम है, डॉक्टर संजन कुमार हो जाएगा, कुमार _ अनअकैडमी हो जाएगा, अनअकैडमी हो जाएगा, अनअकैडमी आपका हो जाएगा टेलीग्राम का चैनल। इस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया जाता है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जब मैं आंसर दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, उसके लिए भी मैं उस दिन मैं बता दूंगा आपको कि आंसर आपको कहां भेजना है, कहां पर आप आंसर को भेज सकते हैं। क्लियर सी बात है बच्चे? चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि समय से ही इसको समाप्त किया जाए। क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो काशिदा क्या होंगे? देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और यहां पर अब नए यहां पर प्रधानमंत्री की सूचना मिल रही है। क्योंकि जापान हमारे लिए, बहुत सारे इलेक्शन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जापान हो, अमेरिका हो, इस टाइप के इलेक्शन को, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि इलेक्शन को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी सूचना मिलती है कि भारत के साथ अब संबंध कैसे होंगे। जैसे कि हमने देखा कि शिंजो अबे के कार्यकाल में भारत और जापान के संबंध बहुत गहरे रहे थे। जो अभी कार्यवाहक एक तरह से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत ज्यादा उनके पास समय नहीं था, तो भारत बहुत गहराई से वहां पर बात नहीं कर पाया। और लेकिन अब जाकर के अस्थायी प्रधानमंत्री आपको मिल रहा है, तो इनके साथ बात करना जरूरी होगा, इनकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी होगा। क्या है यहां पर हमने देखा, फूमियो काशिदा को क्या है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव उसने जीत लिया है। इसके साथ ही उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। और प्रधानमंत्री बनने पर फूमियो किशिदा के समक्ष महामारी का दंश झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बढ़ते क्षेत्रीय, देखिए ध्यान रखिएगा, बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना एक प्रमुख फर्ज हो जाएगा। बढ़ता जो क्षेत्रीय सुरक्षा खतरा है किसकी तरफ से आ रहा है? चाइना की तरफ से आ रहा है। हाल के दिनों में जापान ने इस आबाद की आशंका को व्यक्त किया है कि चाइना और दक्षिण कोरिया दोनों मिलकर के जापान की तरफ कुदृष्टि रखते हैं, और उस कुदृष्टि से बचाने के लिए जैसे ही अपील किया कि मुझे बचाइए, तो यहां पर ब्रिटेन ने अपने जहाज को भेज दिया कि भाई रहेगा वहां पर, जापान के तट पर तैनात रहेगा। अमेरिका ने अपने जहाज को, 2 जहाज को वहां पर तैनात करके रखा है। अगर चाइना या उत्तर कोरिया के द्वारा कोई हिमाकत की गई तो वहां पर मुश्किलों को झेला जा सकता है। ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया थोड़ा सा चाइना की तुलना में ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि वहां की नीतियां स्पष्ट नहीं होती है। और अभी उन्होंने एक बड़े अच्छे मिसाइल का भी परीक्षण किया है, मैं बताऊंगा वो मिसाइल क्या है, वहां पर मैंने लिया हुआ है इसमें। तो उसकी वजह से भी जापान को थोड़ी सी सुरक्षा जरूरतें महसूस हो रही थी। अब जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनके लिए यहां पर यह मुश्किलें सामने आएंगी। पूर्व विदेश मंत्री फुकियो किशिदा पार्टी के निर्वाचमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेने वाले हैं। यहां पर चूंकि इनका कार्यकाल कम ही था, ऐसे ही बनाया गया था कि चुनाव के बाद नए नेता होंगे। तो फूमियो ये किशिदा ने पार्टी के नेता पद के मुकाबले में लोकप्रिय टीकाकरण मंत्री यानी जो टीका करने में सबसे आगे रही थी तारो कोनो को पराजित किया। नियम से इनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए लेकिन इनकी भूमिका थोड़ी सी कम हो गई, कम लोकप्रिय रहा। और पहले चरण के चुनाव में उन्होंने दो महिला उम्मीदवारों साना ताइक्शी और सेइको नोडा को पराजित किया था। माना जा रहा था कि तारो कोनो ज्यादा प्रभावी उम्मीदवार होंगी लेकिन यहां पर इन्होंने 170 के मुकाबले 257 वोटों से इसे पराजित कर दिया। और यहां पर देखा गया कि यहां पर ऐसे जो फूमियो किशिदा है हिरोशिमा से तीसरी पीढ़ी के नेता है, साल 1993 में पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए थे और वे परमाणु निःशस्त्रीकरण के पैरोकार हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, वे क्या है, परमाणु निःशस्त्रीकरण के पैरोकार हैं। दोनों बातें अलग से ले जाती है। जैसे हमने देखा था कि शिंजो अबे हुआ करते थे, इन्होंने एक नई नीति लागू कर दी थी। शिंजो अबे ने एक नई नीति लागू की थी और कहा था कि अब हम जापान को सैनिक तौर पर सशक्त बनाएंगे। जो हमने नीति अभी तक अपनाई थी कि हम सेना में निवेश नहीं करेंगे, उस नीति को हम परिवर्तित करने वाले हैं क्योंकि प्रशांत महासागर में जिस प्रकार से चाइना के द्वारा चुनौतियां उत्पन्न की जा रही थी, जापान को लग रहा था कि देखिए जापान की अर्थव्यवस्था इनोवेशन पर चल रही थी, जापान अभी तक इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ रहा था तो यहां दिक्कत नहीं थी, मार्केट एकदम से क्लियर था। अमेरिका में जाकर के आप माल बेच लेते थे, यूरोप आपके लिए दरवाजा खुला रखता था। और चूंकि जापान एक टिकाऊ माल बनाता है तो यूरोप और अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार उसके लिए बन गया था। भारत में भी देखेंगे कि सोनी का टीवी, सोनी नाम जैसे ही आप देखेंगे चाहे वो कुछ भी बना दे, सुई बना दे, नमक बना दे, तो भी आप सोनी के नाम पर वह चीज खरीद लेते हैं, मान के चलते हैं सोनी ने बनाया है तो अच्छा ही बनाया है। और वही चीन की इससे भी बड़ी कंपनी हुवावे है, अगर वह कुछ बना दे तो आप कह देंगे अरे ये तो चाइना का चीज है, चलेगा नहीं। तो यहां जापान ने अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में अपनी विश्वसनीयता हासिल की थी और बड़े क्षेत्रों में उसने अपना कवरेज बढ़ाया था, जैसे खास करके यूरोप को देखेंगे और अमेरिका को देखेंगे। लेकिन अब इनोवेशन का दायरा परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका के बाजार भी सिकुड़ रहे हैं, अमेरिका में बेरोजगारी फैल रही है, अमेरिका में नए इनोवेशन नहीं हो रहे हैं, हथियारों के क्षेत्र में तो हो रहे हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में नहीं हो रहे हैं। और यूरोप की अर्थव्यवस्था तो वैसे भी अनस्टेबल रहती है। ऐसे मौके पर अगर वह बाजार हाथ से जाता है तो जापान को भी यहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और जापान जब अपनी आर्थिक कठिनाइयों से निकल रहा होगा या आर्थिक कठिनाइयों में जाएगा तो उसको सैन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। अभी आपको लग रहा है ना कि अमेरिका है जो जापान की रक्षा कर रहा है, लेकिन अमेरिका उस स्थिति में रहेगा कि हम अरबों डॉलर का निवेश दूसरे की सुरक्षा पर कर सके। तब तो जो ट्रंप महोदय आए हुए थे, आपको याद होगा, ट्रंप का चेहरा तो जरूर आप किसी भी राष्ट्रपति का चेहरा आपको याद हो ना हो, अमेरिकी राष्ट्रपति का, ट्रंप का चेहरा जरूर याद रहा होगा क्योंकि अक्सर वो चर्चा में रहते थे। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था, चूंकि वो बिजनेसमैन थे, वो सारी बातों को समझ पा रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ अच्छी बातों से काम नहीं चलता है, वहां पर आपको कुछ कड़वे घूंट भी निगलने होते हैं। और उन्होंने उन हर खर्चों को कटौती करने की कोशिश की थी जहां पर कि उसको लगता था कि अमेरिका बेफजूल काम कर रहा है। इनमें से सभी देश शामिल हो जाएंगे। आपने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उसने फंड बंद कर दिया, पेरिस समझौते से वो बाहर निकल गया, ढेर सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो यहां पर जापान के लिए अगली चुनौती होने वाली है, अगले 10 वर्षों के अंदर यह उत्पन्न होने वाली चुनौती होगी। यहां पर नए प्रधानमंत्री के बाद क्या होगा, उनके लिए जरूरी होगा, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे, इसलिए कहा उन्होंने कि हिरोशिमा से बिलोंग करते हैं और हिरोशिमा को सबसे ज्यादा दंश हिरोशिमा और नागासाकी को झेलना पड़ा था। अब सवाल यह होगा कि भारत के साथ संबंधों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इसकी व्याख्या हम लोग किसी आर्टिकल वाले भाग में कर लेंगे। जब आर्टिकल में पढ़ा रहा हूँगा तो उस वाले भाग में जापान और थोड़ा सा इनको थोड़ा सा शपथ लेने दीजिए और देखते हैं अपनी नीति जब ये घोषित करेंगे तब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य को साथ लेके चलेंगे। क्या शिंजो अबे का दौर फिर से वापस आएगा या नहीं आएगा? जो भारत और जापान के संबंधों का शिंजो अबे का दौर था, शिंजो मोदी का जो दौर था, क्या वह वापस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि वैसे तो मोदी जी अपने बड़े होशियार हैं, वो सीधे सीधे जाकर के संबंध किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आपने देखा होगा बेहतर संबंध बनाने में बहुत बड़ी महारत हासिल रखते हैं। देखते हैं जापान के साथ क्या होता है। एक और न्यूज जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के था वह था कि अरब दुनिया में पहली बार ट्यूनीशिया में महिला पीएम बनी है। अरब दुनिया में पहली बार अरब क्षेत्र में महिलाओं को अधिकार दिया जाना एक लगता है कि सपने के बराबर हो। जब सऊदी अरब कुछ करता है कि महिलाओं को अधिकार दे रहा होता है तो लगता है बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिल रहा है। तो अब पूरे अरब जगत में पहली बार ऐसा देखा गया है कि ट्यूनिशिया सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग कंट्री रहा है। अभी हाल के दिनों में वहां पर बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी और जो जैस्मीन क्रांति की शुरुआत हुई थी ट्यूनिशिया से हुई थी। ट्यूनिशिया एक समृद्ध देश हुआ करता था, बहुत ज्यादा अशांत देश नहीं था। वहां पर एक सर्वसमावेशी समाज भी हुआ करता था, भले इस्लामिक कंट्री था लेकिन एक आधुनिक कंट्री, आधुनिक इस्लामिक कंट्री को हमेशा वह फुलफिल करता रहा था। लेकिन जब वहां पर सत्ता गई, जैस्मीन क्रांति हुई है, पूरे अरब क्षेत्र में हलचल मचाने वाली जैस्मीन क्रांति ट्यूनिशिया से प्रारंभ हुई थी जो 2011-12 के आसपास देखेंगे और अब जाकर के वहां पर शांति इस रूप में आई है। यहां पर महिला प्रधानमंत्री को चुना गया है। अरब जगत में महिला प्रधानमंत्री को चुना जाना अपने आप में एक कमाल की बात है, मतलब एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहां पर प्रश्न बनने की संभावना बनती है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अवस्थ करने और संसद भंग होने के 2 महीने बाद महिला को नई जिम्मेदारी दी है और नजला बुदेन क्या होगी, नजला बुदेन रमधानी अब ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। चूंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही हैं इसलिए हमारे लिए यह चर्चा का कारण बन जाता है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने क्या कहा, निर्वाचित सरकार को हटाने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लगभग 2 महीने बाद यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ज्यादा सराहना की जाने वाली है और हो सकता है कि ऐसा कदम उसने इसलिए उठाया हो ताकि उनके द्वारा जो तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया था, तो वहां उसका जस्टिफिकेशन हो पाए। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, सिर्फ 2 महीने पहले राष्ट्रपति ने एक तरफा कदम उठाया और प्रधानमंत्री हिचिम मोसेकी को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, संसद को भंग कर दिया था। राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इस कदम को, जबकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं था लेकिन उसने सत्ता के बल पर यानी शक्ति के बल पर इसको प्राप्त कर लिया था। माना गया था कि यह एक तख्ता पलट का कदम है। हालांकि वहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हुई और अब यहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा रही है। ध्यान रखिएगा ये पेशे से इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाने वाली है और वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम कर चुकी है, आधुनिक मानी जाती है। अब देखते हैं कि ये राष्ट्रपति के अंदर कैसे काम कर सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा है तो स्वाभाविक है वह ज्यादा कुछ चलने देगा नहीं। एक और न्यूज था आपका इंटरनेशनल वाले में, सूर्य किरण 15वां अभ्यास यहां पर संपन्न हुआ है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके बंदे होता है, भारत और नेपाल की सेनाओं के द्वारा यह अभ्यास किया जाता है और कहां किया गया है, उत्तराखंड के सुरक्षा सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है और यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा छोटा सा न्यूज है, बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं होगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जितने भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होते हैं जैसे क्वाड के साथ आप देखते हैं, एससीओ के साथ देखते हैं, जैसे मालाबार सैन्य अभ्यास हो गया जो एससीओ यानी जो शंघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है उसके साथ है, रूस के साथ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, फ्रांस के साथ होते हैं, हैंड इन हैंड जैसे चाइना के साथ होते हैं जो कि अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हैंड इन हैंड दोनों का अभी लद्दाख में मिला हुआ है। चाइना ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है लद्दाख को, तो भारत ने अभी उसको सस्पेंड किया हुआ है कि भारत चाइनीज सेना ट्रूप्स के साथ हम सैन्य अभ्यास अभी नहीं करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे अन्य देशों के साथ, कजाकिस्तान के साथ हो जाता है, मंगोलिया के साथ हो जाता है, जापान के साथ हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि धर्म गार्जियन जैसा, जैसे कभी हमने देखा सूर्य किरण, उसी तरह से आप बता सकते हैं कि धर्म गार्जियन जैसा सैन्य अभ्यास किसके साथ भारत का होता है, किस देश के साथ भारत का होता है, किस देश के साथ भारत का होता है। सभी चीजों को ध्यान रखेंगे और यहां पर बस आप एक न्यूज की तरह, हाँ हाँ बिल्कुल अर्जुन कुमार जी बिल्कुल कह रहे हैं। ये सुबह 6 बजे क्लास होती है। ज्योति सिंह, सुबह 6 बजे क्लास होती है। यह क्लास कितने बजे होती है? सुबह 6 बजे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं उनका। यहाँ पर हम देखते हैं यह जो सैन्य अभ्यास है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सैन्य संबंध स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना। ध्यान रहे कि इस अभ्यास का 14वां संस्करण 2019 में नेपाल के साल झंडी में आयोजित किया गया था। यहां पर कुछ हो ना हो मैं एक पीटी का क्वेश्चन आपके लिए जरूर क्रिएट कर दूंगा। इसलिए क्या है, जब मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन के रूप में मैं पूछने वाला हूं तो आपके लिए एक चेतावनी हो जाती है कि कल जब आप इसी के आधार पर टेस्ट में आएंगे तो यहां पर आपके लिए एक चेतावनी होगी कि इस स्लाइड से भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। वैसे तो सभी स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां पर विशेष तौर पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो स्थापित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड उनके द्वारा दिया गया है, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, जो हमारी पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री है हसीना मलिक नहीं है बल्कि शेख हसीना है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने की कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान हेतु एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ये बात खास करके है महत्वपूर्ण, गरीबी समाप्त करने। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुई है उसके माध्यम से बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। भारत को भी विकास दौर के मामले में उसने पीछे छोड़ा है। बांग्लादेश की जीडीपी कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है भारत के, और सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही है, नहीं कि एक साल उछाल आ गया दूसरे साल नहीं आया। वहां पर जो राजनीतिक धार्मिक कट्टरता हुआ करती थी शेख हसीना ने समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि यह मत भूलिएगा अभी भी वहां पर बहुत अधिक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को एक जो इस्लामिक छवि होता है, जैसे पाकिस्तान ने अपनी छवि बना रखी है, पाकिस्तान पैन इस्लाम की बात करता है यानी पूरे विश्व में इस्लाम का नेता बनना चाहता है, लेकिन अपनी ही अर्थव्यवस्था उसकी खराब होती जा रही है। अगर वो अर्थव्यवस्था के साथ पैन इस्लामिज्म की बात करता तो शायद सभी इस्लामिक कंट्रीज के लिए वह हीरो बन सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। बांग्लादेश पैन इस्लामिज्म की बात नहीं करता है, इस्लाम की बात करता है, पैन इस्लामिज्म की यानी इस्लाम के फैलाव की बात नहीं करता है। और इसने इस बीच ध्यान दिया कि किस प्रकार से बांग्लादेश का विकास हो सकता है। उसका नतीजा है वहां गरीबी उन्मूलन में बहुत बड़ी सहायता मिली। हम लोग बांग्लादेश को मानते हैं कि बांग्लादेशी भारत आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसी नौबत धीरे 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 कम होती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश का विकास खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इन्होंने और कहा कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। कुल मिलाकर के आपके लिए काम क्या क्या हो जाएगा, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है तो शेख हसीना को दिया गया है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को। ये कुछ न्यूज थे जो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बहुत शॉर्ट न्यूज के रूप में आपको देखना चाहिए था। यहां पर कुछ न्यूज है राष्ट्रीय वाले में, यहां पर राष्ट्रीय वाले में देखते हैं क्या है। यहां पर मोदी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यहां पर लॉन्च किया था। यह भी न्यूज हमारे साथ कई दिन से घूम रहा था, तो आज मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ध्यान रखिएगा आज के इस क्लास में हमने सभी उन चीजों को कवर करने की कोशिश की है जो कि विश्लेषण के दौरान छूट जाया करते थे, और मैं मान के चलता हूं कि एटलीस्ट जो विश्लेषणात्मक हम लोग पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा के हिसाब से उसके साथ इसको जरूर आप जोड़ देंगे तो फिर आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। मैंने इसको बाइफरकेट भी कर दिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वगैरह के हिसाब से इसको बाइफरकेट भी कर दिया है ताकि आपको सहायता हो सके अपने नोट्स में इसको शामिल करने के रूप में। क्या किया गया है, आयुष्मान भारत के लिए आयुष्मान भारत से जुड़े हुए डिजिटल मिशन को शुरू किया गया है। इसका डिजिटल मिशन क्या है, इसका मतलब होगा कि यह एक फ्लैगशिप योजना है कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके ऊपर प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर हर जगह प्रश्न बनने वाला है। इसके ऊपर क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि यह है क्या। लेकिन यह आपको मोटे तौर पर अगर मैं समझाऊं यह क्या है, एक डिजिटल तरीके से यह इस योजना के तहत क्या करना है, हर भारतीय नागरिकों के पास एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का विकास किया जाना संभव होगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे जो रिपोर्ट्स होते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट होते हैं, उसको वह भाव ही नहीं देता, बिल्कुल कूड़े के भाव में फेंक देता है, भराइए इसको अब नए तरीके से करिए, जाइए ये चेक करवा के लाइए। इसमें एक बहुत बड़ा लोचा होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। आप लोगों ने शायद महसूस नहीं किया हो, आप लोग बच्चे हैं, हम लोगों ने महसूस किया है कि डॉक्टर जानबूझ करके, डॉक्टर भले जनरक्षक हो सकते हैं लेकिन अधिकांश डॉक्टर सिर्फ उसी दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसके कहे हुए मेडिकल स्टोर में मिलता है। हर जगह आपको नहीं मिलेगा, दिल्ली समेत हालांकि समस्या थोड़ी सी कम है, लेकिन यहां पर भी मैंने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी हैं जिसके आधार पर डॉक्टर अपने तरीके से फिर चेकअप करवाता है आपका, अपने तरीके से फिर नई हिस्ट्री को क्रिएट करता है और ऐसे में गलत इलाज की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन्होंने गलत इलाज की वजह से जान गंवाई है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और कहा कि हम एक भाई डिजिटलाइजेशन करेंगे, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड आप जहां भी देते हैं वहीं ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक 12 नंबर का यूनिक कोड बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आपके जो भी चेक होते हैं, जैसे कि आपने कोई ब्लड सैंपल दिया कहीं पर तो वो उसमें दर्ज हो जाएगा। सभी के लिए मैंडेटरी किया जाएगा कि जो भी मानव के साथ, स्वास्थ्य के साथ आप दवाई लिख रहे हैं या फिर आप उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टेस्ट को, सबको एक जगह आप मेंशन कीजिए ताकि कहीं पर भी किसी भी देश के किसी कोने में जाए तो उसके पास वह रिपोर्ट अपने आप आ जाए कि पहले कौन सी दवाई चलाई गई थी और किस प्रकार से कौन सी बीमारी थी, कैसे ट्रीट किया गया था। अब डॉक्टरों की भी पोल खुलने वाली है, यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा था। आप समझिए, मोदी जी के इस बात की तो मैं प्रशंसा करता हूँ, इन्होंने उन क्षेत्रों को जरूर टारगेट किया है जहाँ की साइलेंट लूट मची हुई थी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि भाई इसमें लगेगा 1 लाख रुपए का खर्च और आज ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और बाकी आपके पास, कहते हैं सर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो कहते हैं बाकी आप जानो जाए, अगर कुछ होता है तो आप जानिएगा। तो भाई अपने को खोने का दर्द वो सब जानता है। फिर क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर कहता है अगर 10 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं कराया फिर आप जानो इनकी जान नहीं बचेगी, तो जान देने के लिए तैयार होता है, लोग किडनी बेच लेता है और क्या नहीं करता है, कहां से कर्ज नहीं उठाता है। माना जाता है 95% ग्रामीण परिवार कर्ज में दबे हुए हैं सिर्फ इलाज कराने के नाम पर। ऐसे मौके पर यह क्या हो जाएगा, एक मददगार साबित हो जाएगा। कहा जा सकता है कि जब हमने सारा टेस्ट कराया हुआ है और वहां पर लैब में कराया है, वहां पर ये दिक्कतें नहीं थी तो अब दिक्कतें ये कहां से हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं कहीं अचानक से प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी और इसे अब क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था, अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2020 को, लेकिन पूरे देश में लॉन्च नहीं हुआ था और इसमें अब जाकर के यह पूरे देश में लॉन्च हो चुका है। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन में एक हेल्थ आईडी हमें मिलने वाला है, एक 14 संख्या का यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जो हर नागरिक को मिलेगा और उसके हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। यानी हेल्थ अकाउंट आपका रहेगा जिसमें सारी जानकारी प्राप्त होगी, आपको कौन सी दवाई दी जा रही है, कौन सी दवाई दी चल रही है, कौन सी दवाई पहले चली, हर टेस्ट, हर बीमारी और जिन डॉक्टरों को दिखाया गया है सभी दवाई और डायग्नोसिस का डिटेल्स वहां पर मौजूद होगा। पता चल पाएगा कि कैसे यहां पर आपके साथ इलाज किया गया है। यहां पर आप बहुत सारे डॉक्टर फंसने वाले, जब डॉक्टर फंसने वाले होंगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, व्यवस्था को वो चलने ही नहीं देंगे। फिर कहेंगे कि नहीं, अगर ये करोगे तो मैं इलाज नहीं करूंगा, अगर ये करोगे, आप कहोगे कि डिजिटल वाले में डाटा डालें, मैं इलाज भी नहीं करूंगा, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर आपको बंद केबिन में कोई यह कहता है और कहता है, आप उस डॉक्टर से दिखाने गए हैं और डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं इलाज नहीं करूंगा, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता है कि आप उनकी बात को स्वीकार कर ले। यहां पर प्रधानमंत्री महोदय को इस बात पर भी ख्याल रखना होगा कि अनिवार्य रूप से जो भी प्रैक्टिशनर हैं इस दायरे में, उनको इस दायरे में लाया जाए। सुनने में तो योजना अच्छी लगती है लेकिन इंप्लीमेंट के स्तर पर यह योजना थोड़ी सी कमजोर हो जाती है जब जनता इस पर सपोर्ट नहीं कर पाती है। और आपको भी लगता है कौन इस झंझट में पड़े, सभी बीमारी को सभी जगह दिखाने का क्या मतलब है, इसलिए आप भी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आप ही देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज है, यहां पर और कोई खास नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, इस डिजिटल सिस्टम में स्वास्थ्य संबंधी निजी जानकारी की सुरक्षा, गोपनीय और प्राइवेट तरीके से रखा जाएगा। ध्यान से रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एक नया न्यूज आपका आया हुआ था, कल के लिए था, एक फास्टर सिस्टम बनाया जा रहा है न्यायपालिका में सुधार के लिए। न्यायपालिका में सुधार के लिए एक फास्टर सिस्टम बनाया गया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो जज होते हैं, जो जज होते हैं वो अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने से बचते रहे थे आज तक, क्योंकि वह सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं या कानून को लागू करने वाले कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसको कि सुरक्षित तरीके से डिजिटल तरीके से अगर आप नहीं रख पाते हैं तो सभी जनता में उसकी पहुंच जाती है और उसकी आलोचना भी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल किया है कि जो नेशनल रिकॉर्ड है, इस प्रकार के जो जजमेंट के रिकॉर्ड है, उसको जनता तक भी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा। जैसे संबंधित पर्सन है, मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मेरे विरुद्ध कोई फैसला आया, तो वह कॉपी मिलते मिलते मुझे सालों लग जाता है, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको ट्रांसफर किया जा सकेगा और मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे मोबाइल पर या मेरे ईमेल आईडी में वह प्रेजेंट हो जाएगा, यानी इमीडिएट मुझे वह फैसले की प्रति मिल सकती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का यह सुधार लागू होता है तो जब भी कभी न्यायिक सुधार की बात होगी, यानी न्यायिक सुधार की जब आप चर्चा करेंगे तो वहां पर ऐसे टॉपिक को जरूर आप कवर करिएगा, इन सभी बातों को जरूर रखिएगा, क्योंकि न्यायपालिका में भी जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी का समावेशन हो रहा है, क्योंकि पिछले साल, डेढ़ साल या बल्कि 2 साल कह दीजिए अब होने वाला है, जबकि आप देखेंगे सारी न्यायिक कार्रवाइयां डिजिटल तरीके से ही चल रही है। बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, बहुत सारे वकील साहब जो है थोड़े बड़े नाराज भी हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता है तो फी भी नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन में भला कौन फी देगा आपसे, और कोई फैसला होना भी नहीं है। इस दौरान 2 साल के दौरान कोई महत्वपूर्ण फैसला हो ही नहीं पाया जब तक कि कोई संवैधानिक मुद्दे से जुड़ा हुआ फैसला नहीं हो। डेट पर डेट आते जा रहे हैं और न्यायिक पेंडेंसी हमारी और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब एक सराहनीय पहल है, जब भी आप न्यायिक सुधार के ऊपर कुछ भी लिख रहे होंगे इसको जरूर शामिल कीजिएगा, नंबर आपके अच्छे आएंगे। क्या कह रहा है कि यहां पर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम को यहां पर लागू किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए इस प्रणाली को लागू करने की मंजूरी दी है, और इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुफेस प्रणाली को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना, ताकि न्यायाधीशों को पिछले जो फैसले हैं उसकी त्वरित जानकारी मिल पाए। तो वह किससे मिल पाएगा? सुफेस से मिल पाएगा। इससे क्या होगा, इस फास्टर योजना से क्या होगा कि विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा करने में अभी तक बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यह जनरेट होगा, वह सीधे सीधे उनके पास, जेल के पास पहुंचेगा, और जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी होता है जिनके ऊपर प्रारंभिक आरोप तो तय हो जाते हैं लेकिन उनके ऊपर फाइनल आरोप तय नहीं होते हैं, और जेलों में 90% लोग ऐसे ही बंद हैं जो सिर्फ विचार उन पर चल रहा है, और विचार 10 साल से 20 साल से चल रहा है, उनका जीवन समाप्त हो गया, विचार समाप्त ही नहीं हुआ। ऐसे कैदियों की सारी जानकारी न्यायालयों को मिल पाए ताकि उस पर तेजी से निर्णय लिया जा सके और केस पेंडेंसी को समाप्त किया जा सके। यह उपलब्धि यहां पर होगी। और यहां पर क्या होगा कि ऐसा सिस्टम अगर लागू होता है तो विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा करने के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। और विचाराधीन कैदी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन अपराधों के लिए दोषी नहीं पाया गया है जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया है, अभी उस पर चलता रहता है, और यह आपके आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। आप जबरन किसी को कैद में रखते हैं बिना दोष सिद्ध किए, अगर जबरन आप कैद में रखते हैं तो क्या हो जाता है, यह गलत हो जाता है, एक गलत प्रक्रिया हो जाती है। चलिए, वह भी न्यूज था। एक और न्यूज देखेंगे, क्या कहता है। पीएम पोषण स्कीम, पीएम पोषण स्कीम को हम पहले जानते थे मध्याह्न भोजन योजना, इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसको पहले कहते थे मिड डे मील योजना, जिसे अब नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया है। देखिए, यही न्यूज है, आगे इस पर हम लोग विचार भी करेंगे कि नाम बदलने मात्र से क्या मिड डे मील योजना ज्यादा सफल हो जाएगी, क्या इसके साथ और भी प्रोविजन किए गए हैं नाम बदलने के साथ। सभी चीजों को यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल आपका टेस्ट होना है इसी के ऊपर। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले दोपहर भोजन यानी मिड डे मील स्कीम को का नाम अब चेंज कर दिया है और इसको कह दिया है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम का नाम कर दिया है। और इसमें अब क्या किया गया है कि बाल वाटिका यानी जो नर्सरी में बच्चे होते हैं या प्री प्राइमरी क्लास में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले क्लास 1 से यह कवर होता था, लेकिन अब छोटे बच्चों को भी दिया जाएगा। यहां पर कैबिनेट के फैसले की बात करते हुए कहा गया, एक और आपके लिए फैक्ट होगा, तिथि भोजन योजना। पहले भी यह बहुत सारे राज्यों में यह योजना चलाई जा रही थी। तिथि भोजन योजना ये क्या है? तिथि भोजन योजना, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब भी आप ऐसे लिख रहे होंगे यहां पर क्या होता है, तिथि भोजन योजना। आप लोग भी इसको लागू कर सकते हैं, हम लोग भी इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ योजना को सफल बनाने के लिए लागू नहीं करना है। आपकी अगर उत्कंठा है तो जरूर लागू करिए। क्या कहता है इसमें, यह एक परंपरा यहां आयोजित की जाएगी तिथि भोजन योजना। इस सुविधा से आसपास के लोग किसी भी खास मौके या पर्व त्योहार पर स्कूल के बच्चों को विशेष तौर पर भोजन करा सकेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पर जो भिखारी रहते हैं उसको हम खाना खिला देते हैं, कौओं को खाना खिला देते हैं, जानवरों के लिए पानी भरने के लिए रख देते हैं। लेकिन हमने कभी यह सोचा नहीं कि क्या किसी दिन हमारा बर्थडे हो और जाकर के स्कूलों में हम अपने बर्थडे पार्टी को मनाएं, चाहे किसी भी दिन, किसी का भी हो, किसी भी स्कूल में, जो आसपास का स्कूल है, आप मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, गरीब बच्चे वहां पर आते हैं। क्या आपने मन में कभी देखा कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं यहां पर नहीं अपनी सोसाइटी के लोगों को ना बुलाऊं बल्कि स्कूल में जाकर के उन बच्चों के साथ बैठ करके अपने बच्चों का बर्थडे मनाऊं, या कोई और भी फंक्शन हो रहा है उसमें स्कूल के बच्चे को। अभी तक ग्रामीण समाज में मैंने क्या देखा था, स्कूल के टीचर को इन्वाइट कर दिया जाता था, लेकिन कभी भी स्कूल के बच्चे को इन्वाइट एज ए स्कूल के स्टूडेंट होने के नाते तो नहीं किया गया है। तिथि भोजन योजना इसी चीज को आगे बढ़ाने वाला है और एक महत्वपूर्ण है। सामाजिक बदलाव देखिएगा, सामाजिक बदलाव के लिए आप यह मत समझिएगा कि सामाजिक बदलाव किसी बड़े बड़े चीजों से ही होगा, सामाजिक बदलाव कहीं से भी हो सकता है। आपके मन में अभी ख्याल होगा, मैं भी जब बता रहा हूं तो मेरे में आता है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर हम स्कूली बच्चों के साथ ही अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं और उसे खाने पर आमंत्रित करें, तो कितनी खुशी उन बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों को आज तक बर्थडे सेलिब्रेशन करने का मौका ही नहीं मिला है। आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये फीलिंग्स आप नहीं समझ पाएंगे, मैंने ग्रामीण क्षेत्र को देखा है, मैं इस फीलिंग्स को अच्छे से महसूस कर सकता हूं। कितना अच्छा लगेगा उन बच्चों को जिसको कि सिर्फ प्रताड़ना मिलती है और अच्छे अनुभव उसको नहीं प्राप्त होते हैं। यहां पर इसलिए क्या किया गया है, तिथि भोजन योजना प्रारंभ किया गया है और इस सुविधा से आसपास के लोग किसी खास मौके पर पर्व त्योहार पर बच्चों को विशेष भोजन करा पाएंगे। क्या करा पाएंगे, विशेष भोजन करा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां देखेंगे, यह योजना 5 साल तक चलेगी और लगभग 1.31 लाख करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा और बाल बाटिका में भाग लेने वाले 1 to 5 ईयर के आयु के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी केवल योजनाओं का नाम नहीं बदला है सचिन जी, बल्कि अब जो दायरा बढ़ा दिया गया है उसका 1 to 5 आयु के बच्चों को भी, यानी प्री स्कूलिंग के बच्चों को भी यह अब कवर करेगा। मिड डे मील जो हुआ करता था उससे फायदा क्या हुआ कि जो बाल कुपोषण है उसको दूर किया जा सकेगा। और वर्तमान में क्या होता था, वर्तमान में जो हुआ करता था वह अभी जो हुआ करता तो 6 से ऊपर के बच्चों पर यह लागू होता था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता था, लेकिन 1 से 5 वर्ष के बच्चों पर भी अब यह लागू हो जाएगा। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक खाद्यान्नों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना का फायदा लगभग 12 करोड़ स्कूली बच्चों और करीब 11 लाख स्कूलों को मिलने वाला है और यह स्कीम इसी वित्तीय वर्ष से लागू होने वाली। ध्यान रखिएगा, मिड डे मील स्कूल योजना को, जो सर्व शिक्षा अभियान जब हमारा प्रारंभ हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा, अभी भी चल ही रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें कुपोषण को दूर करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि भाई स्कूल में बच्चे को घर में खाना नहीं मिलता है, सुपोषित खाना नहीं मिलता है, तो बच्चे को स्कूल बुलाइए और स्कूल में बिठा करके मध्याह्न भोजन कराइए, एक पेट भरपेट उसको खाना खिलाइए। और भरपेट खाना खिलाएंगे तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति भी ललक जगेगी, स्कूलों में उपस्थिति दर को भी बढ़ाया जा सकेगा और बच्चों का कुपोषण भी दूर होगा। और मैंने आकलन किया है कि निश्चित रूप से कुपोषण की दर तो जरूर दूर हुई है, हालांकि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा था। यह इसको कब प्रारंभ किया गया था, मिड डे मील स्कीम, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। और अब इसमें 1 to 5 ईयर के बच्चों को भी शामिल कर लिया जाएगा, जबकि पहले 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को इसमें कवर किया जाता था। पहले इसमें क्या होता था, केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 1 to 5, अब यानी अब संशोधन के बाद क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को यह सुविधा यहां पर मिलने वाली है। और इस योजना का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उठाएंगे। राज्य के मुकाबले केंद्र का ज्यादा सहयोग होगा, अभी स्पष्ट करना बाकी है कि राज्य किस प्रकार से इस योजना को स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ न्यूज थे जो नेशनल वाले थे। एक आध न्यूज और भी नेशनल में है जो आपके भी काम का हो सकता है, हालांकि इसका प्रयोग मत करिएगा कभी। यह है कि जुडिमा वाइन राइस को क्या है, जीआई टैग मिल गया है। जुडिमा राइस वाइन को क्या मिल गया है, टैग मिल गया है। ये कहाँ का टैग है? ये असम का है, जुडिमा वाइन राइस, जो राइस से वाइन बनाया जाता है, राइस से वाइन बनाया जाता है, उसको अब जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक दिया है, जिससे कि इसको, ऐसे चीजों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। अभी तक हम लोग देखते हैं कि चावलों को सड़ा करके यहाँ पर वाइन बनाने की, यानी उसमें किण्वन की प्रक्रिया को ला करके राइस से हमने देखा है कि जो अवैध शराब बनाए जाते रहे थे, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर यह शराब बनाया जाता था जो हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता था, उसको अब जीआई टैग दे दिया गया है। कि कैसे, जरा न्यूज देखिएगा कि हाल ही में असम की जुडिमा वाइन राइस भौगोलिक संकेतक को टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जुडिमा असम की डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू और स्थानीय चावल से निर्मित शराब है और यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों का दूसरा उत्पाद हो जाएगा। कुछ और उत्पाद थे जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इससे पहले मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तमिल लौंग संतरा को, ध्यान रखिएगा, हाथी मिर्च कहां का है? मणिपुर का है। तमिल गोंग संतरा कहां है? वह भी मणिपुर का है। उसको जीआई टैग मिला हुआ था और जीआई टैग मिलने का मतलब होता है कि आपके उत्पाद की पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित हो जाती है और एक भौगोलिक संकेतक पंजीकरण के 10 वर्षों तक वैलिड रहता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यह भी शामिल हो जाएगा। एक भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और जीआई टैग मिलने की वजह से क्या होगा, इस उत्पाद को वैश्विक यहां पर पहचान मिल सकती है। और यहां देखिएगा, इसके पहले असम के अन्य जो जीआई टैग प्राप्त करता उत्पाद थे वो थे काजी नींबू। नींबू का मतलब था नींबू, एक प्रकार का नींबू है, इसको 2020 में दिया गया है। हम लोग कागजी नींबू भी कहते हैं, लेमन कहते हैं। काजी नींबू कहां का है? असम का उत्पाद है। और असम का चोकुआ चावल जो है, इसे भी 2019 में दिया जा चुका है। चोकुआ चावल को भी यहां पर जीआई टैग दिया जा चुका है। कभी अगर मौका लगे, किसी भी टीचर के साथ मेरी बात भी सुन रहे होंगे, अगर शिक्षक सुनते हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध होगा, मैं भी अपने से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जीआई टैग जितनी भी वस्तुओं को मिला है उस पर एक स्पेशल सेशन लिया जा सकता है। जीआई टैग क्या है इसको बताते हुए, और स्पेशल सेशन हम ले लें कितने वस्तुओं को कहां कहां मिला है। जैसे काजू से बनने वाले एक शराब को गोवा में दर्जा मिला हुआ है, या बहुत सारे ऐसे संकेतक होते हैं, ग्लोबल संकेतक दिए गए हैं, जिसको कि यहां पर डिफाइन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नए बच्चे होते हैं यूट्यूब पर, तो उनको सभी जानकारियां क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त नहीं होती है। तो क्यों ना सब लोग मिलकर के यह अभियान चलाएंगे कि क्रमबद्ध ढंग से कुछ ऐसी जानकारियां हम जरूर प्रोवाइड करें जो सबके फायदे के लिए हो। आशा करता हूं बच्चे आपको भी अच्छा लगेगा। ये क्या है, दोनों चीज को याद रखिएगा, काजी नेमू और चोकुआ चावल, या असम का जीआई टैग प्राप्त करने वाला दो उत्पाद हुआ करता था। और सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन NMCM को क्या कर दिया गया है, इसके लिए संदर्भ में न्यूज था, क्योंकि कल्चर वाले पार्ट हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको क्या कर दिया गया है, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया है। और इससे क्या होगा, इससे नियम यह बनाया गया है कि इसके माध्यम से आप पूरे देश का जो सांस्कृतिक मानचित्रण है, सांस्कृतिक मानचित्रण का मतलब है कि किस देश में, देश के किस हिस्से में कहां पर कौन कौन सी चीजें छुपी हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चलिए, हमें कोई जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं होता है, लेकिन जो विदेशी पर्यटक हैं, देशी पर्यटक हैं, उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए ऐसे मानचित्रण की जरूरत होगी, ताकि एक मैप पर आपको दिखाया जा सके कि कहां पर कौन सी विशिष्टताएं हमारे भारत में है। उससे भारत की समझ भी बढ़ती है, एकता की भावना भी यहां पर प्रकट होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह फेज होगा, जबकि इसकी चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। यहां पर इसको क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय कला केंद्र को समर्पित कर दिया गया है। यहां पर दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, पहला तो सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन क्या था, और दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्या था। जो क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों पर ही बनेंगे और कुछ ज्यादा इसमें नहीं होगा। कार्य क्या हुआ था, वर्ष 2017 में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी थी, और यह एक संस्कृति मंत्रालय का प्रोजेक्ट है जो विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को समर्पित कर दिया गया है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, IGNCA की स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई थी, एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कला के क्षेत्र में अनुसंधान एकेडमिक खोज और प्रसार के लिए किया गया था। और INGCA का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 5000 गांवों में मानचित्र का काम पूरा करना है, ताकि उसे पर्यटन मानचित्र पर उसको लाया जा सके। कुछ विज्ञान समसामयिकी में भी छोटे न्यूज थे, जरा इसको भी देख लेंगे। जो साइंस का हमारा न्यूज था वह भी, उसमें भी कुछ छोटे न्यूज थे, जिसको 2-3 न्यूज को मैंने कवर किया है। सभी न्यूज तो इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे नासा द्वारा लैंडसेट-9 उपग्रह का लॉन्च किया गया है, लैंडसेट-9 उपग्रह का लॉन्च किया गया है। इसके साथ छोटे छोटे 4 उपग्रह को भी लॉन्च किया गया है। कैलिफोर्निया के स्पेस एयरफोर्स से इस एटलस वी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और यहां पर हमने क्या देखा कि लैंडसेट-9 उपग्रह अपने अन्य लैंडसेट-8 के साथ हर 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीर लेगा और हमारे ग्रह की सेहत पर, यानी जो यहाँ पृथ्वी की सेहत है उस पर ध्यान रखेगा। सेहत का मतलब यह मत समझिएगा हेल्थ, बल्कि पृथ्वी पर क्लाइमेट जो है उसकी बात कर रहा है। इस समय पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक दुष्प्रभावों से झेल रही है और अंतरिक्ष से अवलोकन विकास का एक बेहतर दृश्य खोजने में हमें मदद मिल पाएगी। अंतरिक्ष विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी न्यूज को आप देख लीजिएगा। सैटेलाइट यह किस लिए है? अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी अंतरिक्ष में भेजा गया है ताकि जलवायु परिवर्तन को यह ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। यहां पर बहुत सारे कैमरे भी दिए गए हैं। नियर इंफ्रारेड, शॉर्टवेव इंफ्रारेड प्रकाश वाली तस्वीरों को यह लेने वाला है। थर्मल इंफ्रारेड सेंसर पृथ्वी के सतह के भूभागों के तापमान को अध्ययन करने वाला है। नासा ने अपना पहला लैंडसेट साल 72 में लॉन्च किया था, जिसका अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट नाम दिया गया था और माना गया था कि इसने अभी तक 80 लाख तस्वीरें खींची है। छोटा न्यूज था, जरा देख लीजिएगा। आकाश मिसाइल का भी भारत ने प्रक्षेपण किया है। आकाश का जो प्राइम संस्करण है उसका प्रक्षेपण किया गया है। आकाश जो पहले का सिस्टम है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बनाया गया है। एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यह काम करता है। आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नए टेक्नोलॉजी लाए गए हैं, जिसको कि जैसे कि स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा हुआ है। स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है, इससे टारगेट को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये सारी बातें आकाश के साथ जुड़ी हुई थी, इसको भी आप देख लेंगे। मैं PDF आपको भेज रहा हूं। और जो एक लास्ट वाला हमारा न्यूज होगा वह होगा ह्वासोंग-8 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जो आपके किम जोंग भाई साहब है ना, किम जोंग भाई साहब बने थोड़े से किम जोंग ही है ना, वो जो उत्तर कोरिया के किम जोंग भाई साहब जो दूरबीन से देखते रहते हैं, जहां भी देखेंगे उनको दूरबीन से देखते रहते हैं, अपने साइट पर कभी नहीं जाते हैं, बस दूरबीन से देखेंगे कि कौन कौन से मिसाइल का प्रक्षेपण हो रहा है या कहां पर हमने न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया। बड़े विस्फोटक आदमी है और हमेशा जब भी उनकी चर्चा होती है किसी डिस्ट्रक्टिव कार्य के कारण से ही होती है। गांव में भी आपने बहुत सारे किम जोंग को देखा होगा, आपके आसपास भी घूमते रहते हैं, जो कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच सकते। और उसकी वजह से, इनकी इन हरकतों की वजह से जापान की सांसें ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि ये जापान के आर्थिक क्षेत्र से ही होकर के मिसाइल का प्रक्षेपण कर देता है, क्योंकि कोरिया और जापान बिल्कुल पास में है। तो बड़े मुश्किल में किम जोंग साहब पूरे विश्व को डाले रहते हैं। लोगों ने अपेक्षा रखी थी, जब ट्रंप साहब से मिलने सिंगापुर गए थे, लगा था कि अब थोड़ा ये ठीक ठाक हो जाएगा मामला, लेकिन हुआ नहीं और भी थोड़ा वो गुस्सेल बन करके उभर रहे। उन्होंने क्या कर दिया है, हाल ही में एक बहुत बड़ी मिसाइल का प्रक्षेपण कर दिया है। ठीक है ना, बड़ी मिसाइल का प्रक्षेपण कर दिया गया है और अपने पूर्वी तट से ह्वासोंग-8 नामक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का। या हाइपरसोनिक, ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक का मतलब है सोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सभी डिवीजन इसलिए किया जाता है जो ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा तेज चल पाए। और यहां पर बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार करार दिया है, क्योंकि एक बड़ी लंबी दूरी तक यह मार कर पाता है और यह उत्तर कोरिया के रक्षा क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। यहां पर कुछ मैंने ग्राफिक्स आपके लिए शामिल किए थे ताकि मैं बता पाऊं कि जो क्रूज मिसाइल होता है, जो आपको क्रूज मिसाइल होता है मिसाइल, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, उसमें क्या अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि जब अपने पथ से निकलता है तो अंतरिक्ष में जाकर के फिर से पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश करता है, लेकिन क्रूज मिसाइल सतह के साथ उड़ते हुए, नजदीकी से उड़ते हुए, सतह का मतलब बिल्कुल जमीन से सटा हुआ नहीं, एक निश्चित दूरी से उड़ते हुए जाके प्रहार करता है। बैलिस्टिक मिसाइल, चूंकि यहां पर हमने पृथ्वी की घूर्णन गति से भी प्रभावित होते हुए देखा है, इसलिए सटीकता से बार नहीं कर पाता, जबकि क्रूज मिसाइल जो है वह सटीकता से बार कर पाता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन लंबी दूरी तक तय करने के लिए क्रूज मिसाइल काम नहीं आता है। क्रूज मिसाइल छोटे दूरी तक मार करने के लिए काम आएगा, 300, 400, 500, 600, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम आईसीबीएम भी कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो वह क्या होता है, लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसलिए देशों के पास मजबूरी होती है वह बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। यह क्या करता है कि जैसे आप रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, यहां से निकलेगा और अलग अलग चरण में जो भी इसके पास हथियार होते हैं, जहां भी ड्रॉप करना होता है, ये ड्रॉप करता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो इस मिसाइल को आप देखिए, इसकी कार्यप्रणाली क्रूज वाले के साथ देखिए कि क्रूज मिसाइल जब जाता है तो पृथ्वी के साथ यह चल रहा होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का अगर प्रक्षेपण करते हैं इसका प्रक्षेपत्र काफी वक्र होता है, यानी या पहले आकाश में चला जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, फिर वहां से लौट करके वार करता है। ठीक है, यह भी सटीक दूरी ही तय करता है, यह भी सटीक दूरी ही तय करेगा, लेकिन फिर भी इसके भटकाव की संभावना है। अगर हवा बहुत तेज चल रही हो, कैरोलिसिस बल अगर इसके ऊपर काम कर गया, तो ये इसकी सटीकता निर्देशित नहीं की जा सकती, लेकिन क्रूज मिसाइल को एकदम सटीक तरीके से आप वार में ला सकते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन थे जो कि आपको आज देखनी चाहिए। लगभग हमारे पास यही सब इंफॉर्मेशन थे और मुझे लगता है कि यहां पर आपको और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी। आज के क्लास को समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मैंने सोचा था कि जितने भी न्यूज थे उसको मैं कवर कर देता हूं, क्योंकि शॉर्ट न्यूज को हमने देखा आज। जब मंडे से हम मिलेंगे, कल तो हमारा टेस्ट हो जाएगा, इसी के ऊपर कोई नए न्यूज को हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैं मंडे को आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर कुछ विश्लेषणात्मक न्यूज को लूंगा और मैं प्रयास जरूर करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होते हैं उसको मैं यहाँ पर कवर करूं, चाहे मेंस के लिए हो चाहे पीटी के लिए हो। और जब मैं मुख्य परीक्षा के न्यूज को कवर कर रहा होऊंगा तो आपसे बस एक मदद की जरूरत होगी। मदद यह कि आप उसके ऊपर जो आंसर मैं लिखने के लिए दूंगा, क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, उसे आप मुझे लिख करके जरूर देंगे। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं आपके चैनल पर, तो आप अगर मेंस की राइटिंग को आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने ईमेल आईडी भी बनाया हुआ है। जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अभी तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इस पर डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी पर यहां पीडीएफ ये मिलेगा। और कल का मतलब होगा 2 अक्टूबर के गांधी जी के जयंती के दिन, गांधी और शास्त्री के जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, टेस्ट हो जाएगा इसी पीडीएफ के ऊपर, यानी क्लास टेस्ट आपका हो जाएगा। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन की संख्या को निश्चित नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर आप देख लेंगे। हाँ, आपका ये एक चैनल और है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम मेड इजी, आप शायद इसको जानते होंगे, आपका ही चैनल है, अनअकैडमी का है। तो यहां पर मैंने अभी सोचा कि क्यों ना मैं एक यहां पर स्पेशल सेशन ले लूं। कल गांधी जी की बात हो रही थी और कल शास्त्री जयंती भी है। गांधी जी के चक्कर में शास्त्री जी को लोग भूल जाते हैं, जबकि शास्त्री जी भी बड़े महत्वपूर्ण नेता है। तो यहां पर दोनों को लेते हैं, गांधी तथा शास्त्री की प्रासंगिकता, शास्त्री की प्रासंगिकता पर हम एक क्या करते हैं, प्रासंगिकता पर एक क्या करेंगे, एक हम लोग यहां पर एक सेशन ले सकते हैं शाम के 5 बजे, 5 PM में यहां पर ले लेते हैं। वैसे तो यहां पर हिस्ट्री की क्लास होती है, लेकिन कल विशेष तौर पर इस सेशन को हम लोग वहां पर ले लेते हैं। यहां पर एग्जाम मेड इजी पर नहीं, सॉरी, इस पर जो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई है इस पर नहीं, बल्कि एग्जाम मेड इजी पर मेरे पास समय है, वहां पर मैं हिस्ट्री के बदले गांधी और शास्त्री के विचारों को एक साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ाने की मैं कोशिश करूं। ठीक है बच्चे, चलिए, बहुत बहुत थैंक्स सभी बच्चों का क्लास के साथ जुड़ने के लिए, मेनी मेनी थैंक्स। मैंने ले दिया ना, यहां देखिए सचिन तेवतिया जी, मैंने यही कह दिया, लेकिन गांधी जी को नहीं देखेंगे, शास्त्री जी के प्रति भी थोड़ा सा नमन करेंगे, शास्त्री जी को भी ध्यान से देखेंगे, यहां पर दोनों चीज देख लेंगे। आज का प्रश्न, चलिए आज के प्रश्न को भी डाल देते हैं, बहुत बढ़िया, याद दिला दिया। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न मैं बनाता हूं, आप मान के चलता हूं कि आपने अच्छी तैयारी अभी नहीं की है, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन बनाइए कि संयुक्त राष्ट्र सभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए उद्बोधन के प्रमुख बिंदुओं पर क्या करें, कि उद्बोधन के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करें, बिंदुओं की समीक्षा करें, लेकिन समीक्षा मत करने लगेगा बहुत ज्यादा, इसलिए मैं यहां पर शब्द भी डाल देता हूं समीक्षा करें। वह समीक्षा क्या करना है, 250 वर्ड में मैं आपको डाल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा करके डाल दिया ताकि आपके पास शब्द ज्यादा हो जाते हैं अभी। तो यहां पर मैं 15 मार्क्स यहां पर दे दूंगा, 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएगा। 250 वर्ड में इसको आप लिख देंगे और यहां पर मैं आपको दे दूंगा इस पर 15 मार्क्स। इसको लिख दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उद्बोधन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें, अगर लिखता तो नॉर्मली आप लिख देते, लेकिन यहां पर आपको मैंने लिखा है समीक्षा करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का मतलब है जो उन्होंने कहा है उन बातों की व्याख्या करना हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको भी लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स सभी बच्चों का, बहुत बहुत थैंक्स क्लास के साथ जुड़ने के लिए। मैं मिलता हूं फिर शाम को एग्जाम मेड इजी चैनल पर हिस्ट्री की क्लास को लेकर के। बाय, टेक केयर।